जान दो यहाँ है। हाँ, उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। वो हम पर छोड़िए। मिस्टर जॉन, जॉन डेविड, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा और वो भी अभी के अभी। आपके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज हुई है। कंप्लेनर का नाम है एंजो फाबरी। आप ऐसे नहीं ले जा सकते। देखिए, इन्हें कहां ले जा रहे हैं आप? ऑफिसर, आखिर बात क्या है, बताइए मुझे। आपको डिटेल्स पुलिस स्टेशन में मिल जाएंगे। शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके, अगर तुम्हें ऐसे परेशान देखूंगा तो सिचुएशन से निकलूंगा कैसे? काम डाउन प्लीज। एमरे लॉर को कॉल करो। वो आ रहे हैं मिस्टर जॉन। रुकिए, मैं भी आपके साथ आ रही हूं। सनम, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। लाला, मुझे मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, पर मुझे अपडेट देते रहना। ये मिस्टर जान के साथ क्या हो गया? पाउंडिंग, थ्रेटनिंग, ऑफेंस, प्रॉपर्टी डैमेज, मारा मारी, ये सारे एक्विजिशंस देखकर जान देविद को पनिशमेंट मिलने से कोई नहीं बचा सकता। आपके लॉयर्स ने कमाल कर दिया। आइलिन, जंग तो बस अभी शुरू हुई है। उसने जो कुछ किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत। पाउंडिंग, मारा मारी, ऑफेंस, बॉडी इंजरी, क्या जानी ये सब किया है? हाँ, लीगल टर्म से देखा जाए तो हाँ। फाबरी ने प्रोवोक किया होगा, वो सिचुएशन को एनालाइज नहीं करेंगे, ऐसे ही पनिश करेंगे क्या? सनीम, शांत हो जाओ प्लीज। क्या वो कुछ बात आगे बढ़ी? जितना अज्यूम किया था उससे कहीं ज्यादा मिस्टर हेनरी। उनके पास मिस्टर जान की कैमरा रिकॉर्डिंग्स भी है, तो इसीलिए। तो मतलब मेरे भाई जेल में रहेंगे? फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है, उन्होंने अभी तक टेस्टिमनी लाई तो नहीं। उनकी टेस्टिमनी जरूरी है, पर वी मस्ट बी रेडी फॉर एवरीथिंग। से क्या मतलब है आपका? मुझे जान से बात करनी है, इस बात का पता लगाना है। मुझे जान के पास जाने दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। जब तक टेस्टिमनी नहीं मिलती उनसे कोई नहीं मिल पाएगा, पर मैं जाकर सिचुएशन चेक करता हूँ। टॉक टू यू लेटर। ठीक है, मैं देखता हूँ। इसका क्या मतलब है लाला? मुझे यकीन है जान इसे मारपीट नहीं कर सकते, मुझे उनसे बात करनी होगी। मुझे सनीम, प्लीज शांत हो जाओ। इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अमेरिका कॉल। फोन उठाओ फाबरी, फोन उठाओ। अब मुझे कॉल कर रहा है। हाँ एमरे, बोलो। आइलिन, बताओ फाबरी कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। एमरे, तुम बहुत वॉरिड साउंड कर रहे हो, क्या हुआ है? भाई को कस्टडी में लिया गया है। क्या, क्यों? वो फाबरी के पास शेयर्स वापस लेने गए थे, वहाँ पर झगड़ा हुआ और फाबरी ने पुलिस कंप्लेन कर दी। ओ हाँ, फाबरी ने मुझे बताया। He said it was nothing important. Nothing important? भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई और तुम कह रही हो नॉट इम्पोर्टेंट? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एमरे सुनो, मैं बहुत थक गई हूँ तुम्हें याद दिला दिला कर कि हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। हम अब पार्टनर्स नहीं आयलिन, डू यू अंडरस्टैंड? एमरे, तुम फिलहाल स्ट्रेस्ड हो इसलिए ये सब कह रहे हो। तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ओके okay? मैं देखती हूँ कि मैं जान के लिए क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तुम क्या करोगी? हाँ, उसे और उकसाओगी? नहीं एमरे, मैं फाबरी से बात करके उसे कहूँगी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे। एटलीस्ट किसी एक को सेंसिबली बिहेव करना होगा। एंड डोंट वरी, मैं करूँगी। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके तुम्हें कॉल करती हूँ। वो लोग शायद स्ट्रेस्ड लग रहे हैं। हाँ थोड़ा, यही तो मैं चाहता था। लैला, सनीम कहाँ है? वो मिस्टर जॉन से मिलने गई है। लैला, थैंक्स फॉर कमिंग।
सनीम काफी परेशान और पैनिक लग रही थी, इसीलिए मैंने उसके साथ आने का फैसला किया। मेरी बहन है वो, मैं उसकी मदद करती हूँ। सही कहा लैला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। मिस्टर एमरे, इस वक्त ये सारी बातें करना ठीक नहीं है, सो प्लीज यहाँ से। सनम रो क्यों रही हो तुम? सनम प्लीज मत रो ना, अगर तुम ऐसे रोगी तो मुझ में हिम्मत कैसे आएगी? ये सब मेरी वजह से हुआ है। I'm so sorry. किस लिए सनम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी है, इसलिए रोना बंद करो। क्या ये सब क्या हो गया है जान? मैं आपको ऐसे जेल के अंदर नहीं देख सकती, और मुझे पता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सनम, फाबरी जो चाहता था इस वक्त वही हो रहा है ना? हाँ बताओ मुझे। उसे हमें चोट पहुँचानी थी, उसे तुम्हें रुलाना था, हम उसे जीतने नहीं दे सकते ना? पर जान। सनम मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। मैं आपको ऐसी सड़ी हुई जगह पर अकेला छोड़ के तुम्हारे यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा। एजेंसी जाओ, काम खत्म करो, अब तुमको ही लीड करना है। जान। सनम प्लीज, और एमने से भी कहना ऑफिस आए, ठीक है? मुझे कुछ नहीं होगा। मैम आपका वक्त खत्म हो चुका है। ठीक है, आई लव यू। आई लव यू टू। सनम, सनम मेरे भाई कैसे हैं? हाँ वो ठीक है, वो हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। हमेशा से वो काफी ब्रेव है, पर वो नहीं चाहते हम यहाँ रहें। क्यों? मतलब वो चाहते हैं हम ऑफिस जाकर काम करें, फैब्रिक की फिक्र ना करें। तुम सही कह रहे हो, हमारा लॉयर यहाँ भाई के पास है, आई एम श्योर वो हमें इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, कम ऑन। दिन कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा ही जाएगा ना। क्या तुमने आज नाश्ता किया? नहीं, मुझे भूख नहीं है मेव के बे, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शर्ट में भी कितनी सिलबटे हैं, मुझे लगता है तुम्हें चेंज करनी चाहिए। क्यों? लोग कहेंगे मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करती हूँ, कैसी वाइफ है, शर्ट का भी ख्याल नहीं रख सकती, इस्त्री नहीं करती। इस्त्री का शर्ट पहनकर क्या होगा मेव के बे? मेरी शर्ट इस्त्री कर सकते हो, पर मेरी इज्जत का क्या? क्या उसके लिए कोई सलूशन है तुम्हारे पास? अच्छी बीवी बनने निकली थी। निहाद प्लीज, मैं तंग आ गई हूँ, अब बस करो ना, फिर से सब शुरू मत करो, बहुत हो गया ना। मुझे क्यों बस कह रही हो? बाहर जो मेरी बेटी की शादी की बात चली उन्हें कहो ना बस करो। निहाद मैंने बताया ना, कोई शादी नहीं कर रहा है। अच्छा है, अगर शादी में बुलाना चाहो, मन करे माँ बेटी का तो बुला लेना, ठीक है? बस करो, ऐसे गले से लगाना बंद करो, मिसेस मेल के बेच छोड़ो। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें गले से लगा रही हूँ, मैं तुम्हें गिरने से बचा रही थी, कोई गले से नहीं लगा रही थी तुम्हें, मिस्टर निहाद। हाँ, मैं तो पागल ही हूँ ना, मैं गिरता रहता हूँ। मैं क्या कोई बर्फ का गोला हूँ जो गिर जाऊँ फिसलता रहूँ? निहाद, मैं हमारे बीच सुलह करने आई थी यहाँ। चलो छोड़ो, मुझसे माफी कौन मांगेगा, नहीं तो तुम माफी के लायक भी नहीं हो। तब तो फिर मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, तुम यही रहो,
काम करो। तुम्हें तो प्यार की कद्र नहीं। सुनो, इरादा बदल जाए तो आ जाना। क्या सिचुएशन है? हेलो मिस्टर जान। ऑफिसर कंप्लेंट पढ़ेंगे और फिर आपकी टेस्टिमनी मांगेंगे। प्लीज हम शुरू करें? जी हाँ। मिस्टर जान, मिस्टर एंजो ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की। आपने उन्हें ऑफिस जाकर मारा, जान देने की धमकी, आपने उन्हें नाक पर पंच किया, उनकी इंसल्ट की और चीजों की तोड़ फोड़ की। मैंने उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी। मिस्टर जान प्लीज काम डाउन। मैंने फैब्रिक को धमकाया नहीं, मैं तो बस उससे बात करने गया था। और उन्होंने स्टेटमेंट देते वक्त यही कहा कि आपने उनकी इंसल्ट की और जान देने की धमकी दी। मैं उससे धमकी क्यों दूंगा, उसकी जान क्यों लूंगा? कुछ तो सोचो। मैं वहाँ सुलह करने गया था पर उसने रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर जान प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। फैब्रिक मान नहीं रहा था इसलिए आपने उन्हें मारा। अरे यार क्या, उसने मुझे प्रोवोक किया, उसने मेरी बात नहीं मानी और झगड़ा करने लग गया। फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो एक्सेप्टेबल नहीं था। मिस्टर जान प्लीज, उस पागल आदमी की वजह से पता नहीं और क्या झेलना पड़ेगा। मुझे बस एक मिनट दीजिए उनसे बात करने के लिए। मिस्टर जान, द एक्विजिशंस आर वेरी सीरियस, प्लीज अगर आपने कुछ गलत कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्लीज इस सिचुएशन को ठंडे दिमाग से सॉल्व करते हैं। ओके आगे बढ़ो आप। मिस्टर जान को क्या होगा? मिस्टर जान को तो देखो वो लोग आखिर उन्हें कैसे अब क्या होगा? हम तो गए ना काम से, क्या होगा हमारा? बस करना बंद करो गाइस, अभी भी गॉसिप कर रहे हो तुम लोग। कंपनी डूब जाएगी, ये कैसे हो सकता है? हाँ ये अच्छा रहेगा, मैं ड्रम बजाऊंगा और तुम बम बम लेकर रास्ते पर नाचना, ठीक है? डांस करना तुम। जी जी स्टॉप इट, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी हो रही है और तुम सबकी नॉन स्टॉप बकर 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 सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कुछ तो पॉजिटिव बोलो। हम तो बर्बाद हो गए। फिर से एक मिनट बोलोगे तो देखना, समझे? कुछ मत बोलना। ओके ओके ठीक है, ऑल राइट। किसी को भी ये सब सोचना पसंद नहीं है, बट एक के बाद एक कंपनी में इतना सब हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है अब। तुम्हें डर लग रहा है ना गुलीज, तुम बस यही काम कर सकती हो, है ना? तुम यहाँ एम्प्लॉय हो ना, कंपनी डूब गई तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। गुलीज तुम सबको इस बात की टेंशन दे रही हो, बकवास करना बंद करो। जे जे हाँ मिस डेरन, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी आवाज पूरे फ्लोर पर एको कर रही है। मिस डेरन, गुलीज एक पार्टी रखने वाली है, मैं उसमें उसकी हेल्प कर रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो जे जे? गाइस तुम लोग अब मुझे सच में डरा रहे हो। स्टॉप इट, मैं पागल हो जाऊंगी। तुम लोगों का दिमाग खराब है। तुम सब के सब पागल हो क्या? सुनो गाइस, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल और रेप्यूटेड एड एजेंसी हैं, सो प्लीज जाकर अपना अपना काम करो। जे जे हम इस डर, मैं तुम्हें यहाँ का मॉनिटर बनाती हूँ, अगर इन लोगों ने मेरे ऑर्डर फॉलो नहीं किए तो पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। तुम सबने सुना ना, मिस डेरे ने मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया है। चलो सब काम करो, मैगजीन पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगी, थोड़ा सा काम भी कर लो जाकर। चलो जाओ जे जे, रखो हाथ बचाओ, मुझे काम डाउन होने मत कहो। हाँ मिस डेरे, और एक बात, मिस्टर जान के बारे में कोई भी न्यूज आई तो वो हम तीनों के बीच सीक्रेट होगी। सीक्रेट मत कहिए मिस डेरन, सीक्रेट नहीं कुछ और कहिए, मैं सीक्रेट नहीं रख सकता, मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे टेंशन होती है मिस डेरन, बिल्कुल नहीं सीक्रेट। मिस सिदा गई। सीईओ 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 हाय। हेलो, वेलकम मिस जेदा। सो फाइनल सिचुएशन क्या है? मिस्टर जान को अरेस्ट किया गया है। क्या बोल रहे हो? मिस्टर जान अरेस्ट कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है ना, थोड़ी सी रेस्ट करना जरूरी है तो रेस्ट कर रहे हैं। आई नो मैंने सुना वो बहुत काम कर रहे हैं, सो इज देयर एनी प्रोग्रेस? बहुत प्रोग्रेस हो रही है, तो चलिए ना मैं आपको मिस्टर जान के केबिन में ले चलती हूँ, वहाँ बैठ कर हम बातें करते हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग। जे जे हमारे लिए कॉफी लाओ। तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हारे पेट में कोई पर मेरा टैलेंट देखो कैसे बात पलट दी मैंने। कुछ सीखो मुझसे, तुम नहीं पूछा, उन्हें तुमने कुछ पता नहीं चला ना, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। I understand. तो जान इस सिचुएशन में सलीम की वजह से फंसे हैं? बेचारे जान, ये तो बहुत बुरा हुआ। Yes, I totally agree. ये सब सनम की वजह से ही हो रहा है। मिस जेदा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या मैकिनन को इस सब के बारे में पता है? हाँ प्लीज। ओह गुड, वेल उसे ज्यादा डिटेल में नहीं पता है। ओह
मुझे सुनकर इतना सुकून मिला। आप ऑसम हो मिस जेदा, थैंक यू सो मच, आप ग्रेट हो। पर डेरेन, जान को बाहर निकालना होगा। वो तो निकल ही जाएंगे। आई डोंट इवन वॉन्ट टू थिंक द ऑपोजिट वे। आई होप सो, वरना मैकेनन आपके साथ काम नहीं करेगा। हाँ। और ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। ऐसे ही चली जाएगी। मिस जेदा, आई एम सॉरी मैं आपका वक्त ले रही हूँ, पर क्या मैं आपसे एक और बात पूछ सकती हूँ प्लीज? इज इट पॉसिबल कि हम ये केस खत्म होने तक मैकेनन से किसी तरह ये बात छुपा कर रख सके? तो आई विल ट्राई मिस देरिन, आई विल ट्राई। अब मुझे चलना चाहिए, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। सी यू अगेन, और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है? यस यस ऑफ कोर्स, वी विल बी इन टच, डोंट वरी, मैं सब कुछ बता दूंगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प। ओह गॉड, शुक्र है। हाय, मेरी धड़कन तेज हो रही है, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है, कॉफी की वजह से तो नहीं? थोड़ी गहरी सांस लेती हूँ। गोल, मॉम आखिरकार जीत ही गया। ऐसी खबर सुनाऊंगा कि आप बहुत खुश हो जाएंगी सुनकर। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं जीत कैसे गया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, आखिर क्या हुआ? हमारे जाबाज टर्किश पुलिस वालों ने कमाल दिखाया और उस लंबे हट्टे कट्टे आदमी को अपनी गिरफ्त में पकड़ लिया है मॉम। तो स्कोर होता है कि मुजफ्फर 5 और जान देविद 0। ये देखिए मॉम, ब्रेकिंग न्यूज, फेमस बिजनेसमैन जान देविद को कस्टडी में ले लिया गया है। देखा ना, आखिरकार उसने अपना असली चेहरा दिखाई दिया मॉम। ये न्यूज ट्रेंड कर रही है सब जगह, सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जान अब न्यूज चैनल की जान बन गया है, आप भी देखिए मॉम। कैसा आदमी है ये, न्यूज़पेपर में हफ्तों से हेडलाइन पे हेडलाइन बना रहा है, कितना बड़ा स्कैंडल है। अरे वो आदमी ही पूरा का पूरा स्कैंडल है। टर्किश पुलिस ने उसे उसके ऑफिस से ले गई और उसे पूरी रात जेल में भी रखा। मैं तो चाहता हूँ कि उस उम्र कैद की सजा हो जाए, फिर मैं और सनेम बूढ़े होने के बाद उससे मिलने जाएंगे। चलिए मॉम, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, आपसे मैं बाद में आकर मिलूंगा। अरे रुको रुको, तुम यही रुको, मैं जाती हूँ, मुझे मैप की बेकी शक्ल देखनी है। रुके, सुनिए। अरे दिन की शुरुआत अच्छी खबर से हुई, ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। मैं तो तब भी इतना खुश नहीं हुआ था जब 1000 अंडरवेयर की बिक्री हुई थी। नेफके भी मुझे माफ करना, पर इस बार तुम्हारा हस्बैंड सही है, सही कह रहा है वो। तुम्हें उससे पहले ही बात करके सब कुछ बता देना चाहिए था, सब सच सच बता देती कि सनेम और मिस्टर जान रिलेशनशिप में हैं। मुझे उसे सब बताना था पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। नेफके भी हर बार तुम सही नहीं हो सकती हो। नेफके, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, मुझे खबर मिली कि क्या? क्या तुमने इसे निहात के बारे में बताया है? मैं इसे कब बताती, पूरी सुबह तो मैं तुम्हारी किचपिच सुन रही थी। तो ये केटली की तरह ऐसे क्यों बोल रही? मुझे क्या पता, उससे पूछो। मेवकी बे, तुम पर तो मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर तुमने फिर से बकवास की ना तो मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे मैनीक्योर करवाने दो, समझी तुम? मैं तो चली जाऊंगी, मुझे बहुत काम है। पर मैनीक्योर करके तुम पुलिस स्टेशन जाने वाली हो क्या? पुलिस स्टेशन? क्या, मुझे क्या पता पुलिस स्टेशन क्यों? तुम फिर से सारी खबर से अनजान हो, दामाद अरेस्ट हुआ है, तुम्हारा दामाद। और मुझ तक ये खबर कैसे नहीं पहुंची? देखो, एक नंबर का गुंडा है ये, देखो ये किसी बड़े जुर्म में ही अरेस्ट हुआ है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, फ्यूचर में ये सनम की भी पिटाई जरूर करेगा। पहले मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। अरे मिस डेरे ने मुझे मॉनिटर बनाया है। मिस्टर एमरी, अब सिचुएशन कैसी है? आज भाई का स्टेटमेंट लिया जाएगा। गाइस, एक्चुअली फाबरी और भाई के बीच में बहुत बड़ी अनबन हो गई और उसने भाई के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। फिलहाल मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, सनेम को भाई से मिलने का मौका मिला था। हाँ गाइस, डोंट वरी, स्ट्रेस मत लो। जान चाहते हैं कि हम हमारे काम पर ध्यान दें, जैसे हम रोज कैंपेन क्रैक करते हैं, वैसे आज भी हम हमारा काम करेंगे और बाकी सब वो संभाल लेंगे। तुम सब लोग काम पर ध्यान दो। सुना तुम सबने, मिस्टर एमरे ने क्या कहा? नो गॉसिपिंग। चलो अब जाकर सब अपना काम करो। मिस्टर एमरे, हाँ?
मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी। मिस्टर एम्रे, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मिस्टर जान की अरेस्ट की वजह से कहीं ये कंपनी बंद तो नहीं होगी ना? क्या हम सारे फिक्री हारिका कंपनी वाले फिक्र के दायरे में आ जाएंगे? क्या होगा कुछ तो बताइए मिस्टर एम्रे, हमें भी जानने का हक है। मिस्टर एम्रे, आप कुछ साफ साफ नहीं बोल रहे, सने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रही, जरूर कुछ तो गड़बड़ है मिस्टर एम्रे। जी, मैंने तुम्हें 2 मिनट पहले क्या कहा था? मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ। जी, मेरा सवाल जायज है मिस डेरेन, सब ऑफिस में टेंशन लेकर घूम रहे हैं। द नेशन वांट्स टू नो मिस्टर एम्रे, बताइए ना प्लीज। जी, शांत हो जाओ। जी, क्या कर रहे हो तुम? मैं शांत जी, चुप रहो। जी, चुप रहो। मिस्टर एम्रे, मिस जैदा आई थी। क्या कहा उसने? मैकिनन को इस सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, पर अगर पता चला तो वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कुछ हुआ है? सुनो, जब मैं बात करता हूँ मेरे बीच में मत आया करो, कोई ना कोई बात जरूर है। ये एक्यूजेशंस काफी सीरियस हैं। मैं बाहर कब निकलूंगा मुझे वो बताओ। कल से पहले तो नहीं? हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमें फाबरी की हॉस्पिटल रिपोर्ट्स देखने के बाद ही कुछ पता चलेगा। अरे पर वो तो गलत रिपोर्ट लाकर भी मुझे फंसा सकता है ना? वरी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो रिपोर्ट्स फॉर्ज नहीं कर पाएगा। बस अब थोड़ा काम रहिए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर जॉन, आपका स्टेटमेंट ले लिया है, आपको फिर जेल जाना हो। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखिए ऑफिसर, फाबरी ने इससे पहले भी मेरे क्लाइंट को धोखा दिया है। बेचारे मिस्टर जॉन को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। सही कहा, ये बिजनेस ऐसा ही होता है दोस्त। मैकिनन को पता चला तो वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे। ऐसे मत बोलो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मिस्टर जॉन कब से मार धाड़ करने लगे? वो तो ऐसे नहीं है। सनी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कोई न्यूज़ मिली? नहीं, कोई न्यूज़ नहीं मिली। मैं काम करने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। पर मैं तुम्हें यहाँ किस कर सकती हूँ? क्या तुम अलाउ करोगी? तुम्हें सिर्फ एक सिंपल कमर्शियल टेक्स्ट लिखना था, पता नहीं तुमने ये क्या लिख रखा है। मिस्टर जान, मैंने लिख दिया था, मैं आपके पास ही आ रही थी। मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं बिहेव करना चाहता सनम, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है अपने प्यार के लिए। हाँ, आई लव यू। क्या हुआ? वो देख रहा है। कौन देख रहा है? कौन? अरे वो कैमरा। किसने देखा, जल्दी बोलो कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिख रहा कोई कैमरा? आपके पीछे है कैमरा, उसे देखिए मत, पता चल जाएगा उससे। आपने ही लगवाया था ना ये कैमरा? हमने कैमरा यहाँ क्यों लगवाया? यहाँ लगाने की क्या जरूरत है? हेलो मॉम। सनम बेटा, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ। ये पुलिस स्टेशन का क्या चक्कर है? जान अरेस्ट हुआ है क्या? अच्छा तो मॉम, आपको पता है, आपको कहाँ से पता चली ये खबर? नहीं, मेरा मतलब इंटरनेट पर देखा मैंने। इन्फॉर्मेशन मांगो। ये क्या बोल रही है आप? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझसे क्यों छिपाती हो? मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। मुझे दो, मुझे दो, इससे सारी इन्फॉर्मेशन लो। वो मॉम, थोड़ा बिजनेस रिलेटेड झगड़ा है और मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ मॉम। पर वो कह रहे हैं कि लड़ाई हुई थी कोई? नहीं मॉम, वो बात नहीं है, वो बस एक छोटा सा झगड़ा था। और आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अभी थोड़ा काम है मॉम, मैं आपको रात को आकर सब बता दूंगी। ठीक है, अभी फोन रखती हूँ। हाँ बाय। हाँ, अगर जरूरी नहीं है तो ठीक है, ठीक है। मैं तो बस तुमसे यही सुनना चाहती थी बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है। मॉम, डैड घर आ गए क्या? आप दोनों का झगड़ा खत्म हुआ? निहाद के बारे में मत पूछो, तुम्हारे पापा ना अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहते हैं और कुछ नहीं। अरे छोड़ो मुझे, वो कभी नहीं सुधर सकते, उनसे सुलह करना तो इम्पॉसिबल है। अच्छा अब तुम फोन रखो। तुम क्या करना चाहती हो? तुमने इसे यहाँ रखो, मैंने कहा ना पानी में रखो। मैंने क्योर सेशन चल रहा है, मजाक नहीं है। मैं मुझे ना पागल कर दूंगी। Yeah.
सनम, तुमने अपनी मॉम से झूठ क्यों बोला बताओ? तुम हमारी बातें छिपकर क्यों सुन रहे थे? नहीं, मैं तो यहाँ तुमसे बात करने आया था, तो तुम फोन पर बात कर रही थी तो थोड़ा सा सुन लिया। हम मिस्टर जान को कैसे बचाएंगे? वो तुम्हारे लिए गए थे ना? पता नहीं, काश उनकी जगह मैं वहां होती, क्योंकि गलती मेरी है। इस फैब्रिक की तो मैम दिखने में बड़ा इटालियन जेंटलमैन लगता है, पर है नहीं, बिल्कुल मैनरलेस, एक नंबर का चालाक आदमी है। एनीवे, ये सब वो तुम्हारा परफ्यूम पाने के लिए कर रहा है ना? है? हाँ, मेरी वजह से हो रहा है। हाथों के पीछे पड़ा है वो तो। अगर जान मना नहीं करते तो मैं उसे वो परफ्यूम दे देती, मैं उसे दे दूँ क्या? नहीं सनम, नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी। तुम्हें याद है ना, अंजाम बहुत बुरा होगा सनम। मिस्टर जान ने कैसे वो चेक लिखकर फैब्री के मुंह पर मारा था। मिस्टर जान फैब्री की जान ले लेते उस दिन, इसलिए भूल जाओ ये सब। नो परफ्यूम, नथिंग। परफ्यूम देने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, अगर मिस्टर जान को पता चला तो वो बहुत अपसेट होंगे, समझ रही हो ना? जेजी, और क्या सलूशन है? अगर कंपनी बंद हो गई तो सबकी नौकरी चली जाएंगी, हम हमेशा डर डर के काम करेंगे, और इस सब में मेरी गलती है, और ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। तुम सही कह रही हो। ओके, हमें पॉजिटिवली सोचना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आज से हम पॉजिटिव सोचेंगे। एक परफ्यूम से दुनिया बदल जाएगी क्या नहीं? हां, अरे परफ्यूम परफ्यूम की बातें छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, वेयर इज सनम? सनम कहां है? वेयर इज सनम? यहां। दैट्स इट, अब रोना बंद करो और अपना जादू दिखाओ। वो पहनने के लिए भी कुछ नहीं ले गए। मिस्टर एमरे उनके लिए जेल में कुछ सामान ले जाएंगे, है ना? वो उदास दिख रहे थे, जैसे वहीं रहने वाले हो। मॉम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मॉम? आप तो ऐसी बात कर रही है जैसे वो पूरी जिंदगी बाहर रहने वाले हैं। आपको तो मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं तुम्हारे डैड की बात कर रही हूँ जान। सबकी यहाँ अलग अलग परेशानियाँ हैं, क्या बोलूँ? मॉम, डैड आज भी घर नहीं आने वाले हैं क्या? मुझे नहीं लगता वो आएंगे। कैसा हस्बैंड मिला है मुझे, कैसा हस्बैंड है! सारी औरतें आज देख रही थी उन्हें, और उनकी सिलवटों वाली शर्ट को देख रही, उन्हें शर्म नहीं आती? ग्रोसरी स्टोर में रह रहे हैं, पूरी रात वही रहेंगे आलू की बोरियों के साथ। अगर आज मुझे मैकी बे कहकर बुलाया ना, तो मैं मुड़कर नहीं देखने वाली। फिर से स्ट्रेस हो रहा है मुझे, स्ट्रेस से ही मेरा पेट भर गया है। तुम लोग टेबल साफ कर देना, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं खा पाऊंगी। ठीक है मॉम, आप जाकर सो जाइए। तुम खाओगी? मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे भी खाने का मन नहीं है, जाओ मैं साफ कर देती हूँ। मैं ऊपर चली जाती हूँ। अरे बाप रे, मुझे प्रेग्नेंट लेडी जैसा लग रहा है, कितनी स्टिफ हो गई है मेरी बॉडी। एक औरत आदमी को कहीं भी घर बनाने के लिए मजबूर कर सकती है। पूरी जिंदगी मैंने काम किया, अभी भी वही कर रहा हूँ। क्या किस्मत है मेरी, अब यही मेरा घर है, यही मेरा किचन भी, यही पर काम करना है मुझे। तो फिर सनम, लॉयर से कोई न्यूज मिली क्या तुम्हें? नहीं, थैंक यू लैला। अगर कुछ न्यूज मिली तो मिस्टर एमरे कॉल करेंगे, है ना? मिस्टर एमरे को कॉल किया था। मुझे उन्हें बार बार कॉल करके परेशान नहीं करना है। मिस्टर एमरे तो मुझे वैसे भी सबके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, वो मुझे ही ब्लेम करेंगे। पर इसमें तुम्हारी क्या गलती है, प्लीज तुम ऐसा मत कहो। हाँ वही तो, उसने तुम्हें क्यों ब्लेम किया, इसमें तुम्हारी क्या गलती? कैसा है वो आदमी, अब याद आया क्या उसे कि उसका भाई है? तब कहाँ थी उसकी समझदारी जब खुद अपने भाई को जेल में डालने वाला था? हर बार तुम्हें ब्लेम करता है। उसने तो सबको रिश्वत दी और तुम लोगों को बैंकक्रप्ट कर दिया। पर अयान, तुम्हें सारी डिटेल्स थोड़ी पता है, और वैसे भी ये पास्ट की बातें हैं। पर पता है क्या, कभी कभी पास्ट हमारा आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। सही कहा। एनीवेज, हम मिस्टर जान को जानते हैं, वो कभी भी ऐसे किसी से बेवजह झगड़ा नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स नहीं करते, इस सब में उस फैब्रिक का हाथ होगा।
पुलिस को तो फाबरी से भी पूछताछ करनी चाहिए है ना? बिल्कुल वो करेंगे, पुरानी दुश्मनी है तो सारे रिकॉर्ड्स कोर्ट में पेश किए जाएंगे। उस्मान कोर्ट की बात मत करो, मैं नहीं चाहती कि बात वहाँ तक पहुँचे। पर तुम्हें रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी, मिस्टर जान का ट्रायल होगा, इट इज वेरी ऑब्वियस। फिलहाल उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ देंगे। सनी फिक्र मत करो, ओके? वो जान दिवित है, अच्छे लॉयर्स उनके पास कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। हाँ, हम सब तुम्हें ये सैड करने के लिए नहीं कह रहे, बट तुम्हें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा। अच्छा, उसका नाम क्या है? फाबरी? मुझे लगता है अगर फाबरी ने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो चीजें और बिगड़ सकती हैं। मैंने ये क्या कर दिया, हर कोई मुझ पर इल्जाम लगाएगा, मिस्टर एमरिया और बाकी सभी लोग, वो सब सही कहते हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर अकेले रहना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ और रेस्ट करो, वैसे भी हम काफी देर से जगे हुए हैं। तुम जाओ, बाद में मिलकर बात करती हूँ। ओके। हाँ बोलिए मॉम, कैसी हैं? नहीं नहीं, सब ठीक है, बस कुछ नहीं, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एक आदमी है जिसने भाई को अपसेट किया हुआ है, उसी ने भाई को प्रोवोक भी किया था। मामूली बात है, मीडिया ने कुछ ज्यादा ही लिख दिया। क्या कह रही हैं आप भाई के लव अफेयर के बारे में? सही कहा, ऐसा है तो जरूर। उसका नाम सनेम है, हमारे ऑफिस में काम करती है। भाई उसके बारे में सीरियस है, पर पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, हमें अभी और भी बहुत सारे काम है मॉम। ठीक है मॉम, ठीक है, जैसे वो फ्री होते मैं कॉल करने बोलता हूँ आपको। यू प्लीज डोंट वरी, ओके? बाद में बात करता हूँ। उस औरत ने ये देते वक्त ये कहा था कि तुमने मुझे मेरा प्यार वापस कर दिया, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाएगा, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी, ऐसा कहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है जान, और मैं ही इसे ठीक करूंगी। हेलो मिस सनम, मुझे आपसे बात करनी है, क्या आपके पास वक्त है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल मिलता है। सच को तो मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था, इतनी जल्दी आएगा पता नहीं था, लेकिन मुझे एक्चुअली मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, इसलिए अर्जेंटली बात करनी है, हम देर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ऑफिस में ही रहूंगा दिन भर, तुम आ जाओ, बात करते हैं हम, ठीक है? हा? नहीं नहीं, ऑफिस में नहीं, मैं वहाँ नहीं आना चाहती, कहीं और मिलते हैं। हाँ मैं जानती हूँ,
ठीक है, वहां मिलते हैं आधे घंटे में। आइलीन, सनम ने मुझे कॉल किया था और वो मिलना चाहती है। देखा कैसे पंछी खुद पिंजरे में आ गया। अरे नहीं, अपने हस्बैंड से कभी झगड़ा मत करना। झगड़ा हुआ है और घर पर नहीं सो रहा। नहीं रहता, मैंने कल रात को देखा था दूसरी शॉप में सोते हुए। नहीं नहीं, अभी कस्टडी में है। हाँ, लॉयर की तरफ से न्यूज आने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, वापस नहीं आया है। नहीं, वो अभी शॉप में ही सो रहा है। अगर वो आया भी ना तो मैं उसे वापस नहीं लूंगी मेरी हाथ। बहुत हो गया अब। तुमने क्या किया? तुम्हें तो पता भी नहीं चलता मिसेस मेवकले कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्या कर रहा है। मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो, बिल्कुल नहीं जान पाओगे। मैं अब और सहन नहीं करने वाली हूँ। मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहती हूँ बस। मैं क्यों सहन करूँ? तो तुम अब सहन नहीं कर सकती। मेरे कर्मों की सजा भुगत रही हो। मेरे कर्मों की सजा? क्यों? मैंने ऐसे सुना मेरी बहन के मुँह से। भाई मेरी बहन, भाई उम्र हो रही है, डायबिटीज है, हाई बीपी है, इतना सब कुछ होने पर भी शॉप में सोना है उसे। तो तुमने कहा मेरे कर्मों की सजा? मिस अनिम, वेलकम। मैंने कॉफी ऑर्डर की थी मेरे लिए, तुम क्या लेना चाहोगी बताओ मुझे। नो नथिंग थैंक्स, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना है, सो प्लीज। ठीक है, तो मुद्दे पर आते हैं। बोलो तुम्हें क्या बोलना है, क्या कहना चाहती हो? मैं चाहती हूं कि आप मुझसे, जान से और एजेंसी से दूर चले जाएं। देखो अगर बात ध्यान से सुनने वाली है तो सुनूंगा, वरना मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम जानती हो। मैं चाहती हूं कि आप मुझसे, जान से और एजेंसी से दूर चले जाए हमेशा के लिए। मिस सनम, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कभी ऐसा काम नहीं करता जिससे मुझे फायदा ना हो। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं तब तक इंतजार करता हूँ जब तक उस चीज को मैं पा ना लूं। मैं आपको परफ्यूम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? सबसे पहले आप जान के खिलाफ की गई सारी कंप्लेंट्स को वापस लेंगे। आप उन्हें शेयर वापस करेंगे और मैं आपको परफ्यूम देंगे। सनम, मैं कैसे तुम पर यकीन कर लूं? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम अपनी जुबान से हिर जाती हो। मैं चाहती हूं कि आप हमारी जिंदगी से दूर चले जाएं, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर सकती हूं और उससे वापस नहीं फिरूंगी। ठीक है, मैं शेयर्स वापस लूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी और एक शर्त है। क्या है शर्त? जान को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यही बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम इस इंसान से इतना डरती क्यों हो? क्या वजह है?
ये डर नहीं है, प्यार है। प्यार? मुझे पता है ये बातें आपकी समझ के बाहर है, लेकिन अगर उन्हें इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। ठीक है, तुम जैसा कहो वैसा करते हैं। मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए, तुम देर मत करना। लेकिन क्या है, फिर चीजें और खराब हो जाएंगी। नहीं होगी देर मिस्टर फाबरी, डोंट वरी। सनम, कल यहीं पर मिलते हैं, क्या तुम आ सकती हो? ऑलराइट। मिस्टर जॉन, कोई गुड न्यूज है या नहीं? हाँ, गुड न्यूज, यू आर गोइंग आउट। फाबरी ने कंप्लेंट वापस ले ली। ऐसे कैसे? कुछ भी, मिस आइलैंड ने एज अ मीडिएटर स्टेटमेंट वापस लेने में हेल्प किया। ये बात फाबरी के लॉयर ने मुझे कॉल करके बताया, बाकी की डिटेल्स आपको रास्ते में बताता हूँ, आइए। मिस्टर जान जब तक नहीं आते तब तक मैं यहाँ का मॉनिटर हूँ, मेरे अप्रूवल के बिना कुछ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। बाहर आई नहीं तो, अरे क्यों नहीं आएंगे, हमें बस स्ट्रांग रहना होगा, हमारी कंपनी को हमारी जरूरत है। डोंट वरी, हम साथ मिलकर। सनेम, सनेम मुझे बताओ तुम कहाँ थी? वो मेरा कुछ काम था इसीलिए लेट हुआ। एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो कर देती सनेम, जब तक मिस्टर जान नहीं आते मैं मॉनिटर हूँ, समझी ना? हाँ, समझ गई। बहुत अच्छे, हम एक फैमिली हैं, हम साथ मिलकर सारे सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे। तो प्लान के हिसाब से अब आगे क्या करना है? प्लान के हिसाब से तो मैंने सनेम को जो प्रॉमिस किया है वो तो रखूंगा, पर मैं शेयर्स भी दे दूंगा। वो शेयर्स लेकर अब मुझे कोई फायदा नहीं है, फिक्र हरिका के शेयर्स में अब कोई दम नहीं बचा। क्या कहा? जिन शेयर्स के लिए हमने इतना बड़ा ड्रामा किया वो आप दे रहे हैं? आइलिन, मैं शेयर्स बेचने नहीं वाला, मैं बस शेयर किसी को देने वाला हूँ। दोनों के बीच क्या डिफरेंस है आप जरा बताएंगे मुझे प्लीज? बैठो ना जरा आइलिन। आइलिन, फिक्र हरिका के जो शेयर्स है वो मैं देने वाला हूँ तुम्हें। आइलिन, क्या मुझे? पर क्यों? ताकि तुम उस कंपनी में एक हीरो बनकर लौटो और फिर मेरे प्लान के हिसाब से उन्हें बर्बाद करो। मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, कंपनी को बचाने या बर्बाद करने की ताकत तुम्हारे हाथ में होगी फिर। वैसे आपका ऑफिस बहुत अच्छा है, पर आपने पिछली बार मुझे आपकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट से फायर किया था, याद है ना आपको? डोंट वरी, इस बार हमारे पास एक कोलैबोरेटर है, सनम। क्या? सनम चाहती है कि हमारा एग्रीमेंट एकदम सीक्रेट रहे, तो तुम जाकर जान से कहना कि तुमने मुझे कन्विंस किया शेयर देने के लिए, और कहना कि जान को बाहर निकालना वगैरह ये सब तुमने किया। हाँ, पर मैंने आपको कन्विंस कैसे किया? आइलिन, कुछ भी बोल दो, मे बी तुम्हें मेरा कोई सीक्रेट पता चल गया और तुमने मुझे थ्रेटन किया, ठीक है? हाँ, मुझसे और लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। तो जान के पास तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए कोई टेक्निकली पॉइंट बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने तो उसे बचाने की कोशिश की है, समझने की बात करो। और सनेम भी चुप रहेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि जान को कुछ पता चले। एग्जैक्टली, और फिर हम धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर उसे तबाह कर देंगे। फाबरी, बहुत अच्छा प्लान है, आई एडमायर योर इंटेलिजेंस। डोंट वरी, मैं आपके प्लान का हिस्सा हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी। तो चलिए हमारे नए प्लान के लिए टोस्ट करते हैं। एक्चुअली हमें टोस्ट सिर्फ एक चीज के लिए करना चाहिए, सक्सेस के लिए। ऑफ कोर्स। मिस्टर जान, मिस्टर जान आ गए। जान, जान आप आ गए, हटो यहाँ से। मुझे सबको सरप्राइज देना था। जान, आपको देखकर अच्छा लगा। थैंक यू डरन। मिस्टर जान, हमें पता था आप जेल से वापस आएंगे, पर आप नहीं तो अच्छा लगा। यही कहने वाले थे ना तुम जेजे।
मिस्टर जान, जेल की जिंदगी कैसी होती है? बहुत मुश्किल होती है ना? मिस्टर जान, आपने कहीं वेट तो लूज नहीं किया ना? आप काफी स्लिम लग रहे हैं। नहीं तो गाइस, मैं वहाँ सिर्फ एक रात के लिए रहा था तो। हाँ मिस्टर जान, पर जेल की दीवारें इतनी ठंडी होती हैं कि कोई भी मर सकता है। तुमने एक्सपीरियंस किया है क्या कभी जेल? बीच में मत बोलो पुलिस, मैं बॉस से बात कर रहा हूँ ना। बस करो गाइस, मिस्टर जान की इन्वेस्टिगेशन करना बंद करो। नो प्रॉब्लम डरन, आपको देखकर अच्छा लगा मिस्टर जान। थैंक यू लैला, थैंक यू। मिस्टर जान, एक और सवाल पूछूं क्या? जेल में आपने सबसे ज्यादा क्या मिस किया? जान। ये मेरी जान ने बनाई हुई टेस्टी और डिलीशियस चाय है। वाह सनेम, मिस्टर जान तुम्हारे चाय के दीवाने हैं। वाह सनेम, बहुत अच्छे। वाह, सब कितने खुश हैं। फाइनली सब एक साथ हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये सब हुआ कैसे? अच्छा भाई, ये बताओ कि लॉयर ने क्या कहा तुमसे? लॉयर ने कहा आइलिन ने मुझे निकलवाया। आइलिन ने? फिर से आइलिन? क्या किसी ने मुझे याद किया? Talk of the devil and the devil is here. हाँ मैं आ गई हूँ गाइस। फैब्रिक के बारे में मुझे एक सीक्रेट पता चला है तो। तुमने उसे थ्रेटन किया है ना? सही बोल रहा हूँ ना? ओह नो, मैंने उन्हें वार्न किया। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी कंप्लेन वापस ले ले और इस कंपनी के शेयर्स मेरे नाम कर दें। शेयर्स तुमने लिए? हाँ जान, आज से मैं तुम्हारी नई बिजनेस पार्टनर हूँ। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। ओ जान प्लीज ऐसा मत कहो, मैं यहाँ फाइट करने नहीं आई हूँ। फाबरी अब हमारी जिंदगी से दूर चला गया है। आई थिंक अब हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखना चाहिए। ट्रस्ट ऐसे ही कहकर नहीं होता एलन, तुम्हें अर्न करना पड़ता है। तो ये बकवास बंद करो। जान इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू तुम मुझे ये सब सुना रहे हो। मैं थैंक यू कहूँ? मैंने तुमसे फेवर मांगा था क्या? ये मेरे और फैब्रिक के बीच की बात थी, मैं सॉल्व कर लेता, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी। ये सब करना इतना आसान नहीं होता। एनीवे तुम उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव थी तो तुम इतनी आसानी तो उससे दुश्मनी मोलोगे नहीं। तो सच क्या है वो चुपचाप बता दो हमें। बिजनेस है, एज यू नो बिजनेस में हर एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी है, तो मैंने वही किया। तुम्हारे बिजनेस एथिक्स के हिसाब से ये करना ठीक होगा, पर मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता, तो निकल जाओ यहाँ से। I missed you too. एमरे, तुम्हारी नई बिजनेस पार्टनर होने के नाते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे केबिन में चले। अब यही होना बचा था। और नहीं तो क्या? वाह क्या दिन है, वेरी नाइस। जान, माय डार्लिंग, आई कांट बिलीव आइलैंड। सनम कुछ मत बोलो, मुझे बस तुम्हें हग करना है, तुम्हारे साथ रहना है। जान मैं बहुत डर गई। नहीं डरो मत, मैं यही हूँ। सब हमें देख रहे हैं। ओके। चौबीस घंटे मैंने तुम्हारे बिना कैसे बिताए मुझे ही पता है। फैब्री, अब ये फैब्री की बातें भूल जाओ। ओके, वो चला गया किसी तरह, हम एलिन से भी पीछा छुड़वा ही लेंगे। मैं उसे कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा और तुम्हें भी थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। I'm sure उसने कोई ना कोई प्लान बनाया होगा। हाँ तो जरा संभल कर रहना, मैं उसका प्लान पता कर लूंगा। ठीक है तो फिर मैं अब काम कर लेती हूँ। आइलिन, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं तुम्हारी स्टोरी पर भरोसा करूंगा। आई नो यू वेल एमरे, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ना सही, पर सच यही है। आइलिन, फैब्रिक खुददार आदमी तो है नहीं कि तुम्हें उसने ऐसे ही सब दे दिया। तुम्हें उसके फ्रॉड के बारे में पता चला तो तुमने उसे थ्रेटन किया और उसने तुम्हें शेयर्स भी दिया और कंप्लेंट भी वापस ले लिया। वेल एमरे, मैं बहुत अच्छी तरह से थ्रेटन करती हूँ, ये बात तो तुम जानते ही हो। एनीवे, मैंने तुम्हें फैब्री से बचाया और मैं अब 20% शेयर की हिस्सेदार हूँ। तुम्हें सिर्फ इस पर फोकस करना चाहिए एमरे। मेरे लिए द वॉर इज ओवर, मुझे जो चाहिए था मिल गया है।
अब से मुझे सिर्फ अच्छे काम करने हैं और खुश रहना है, एंड आई नीड योर सपोर्ट फॉर दिस। देखो आलिया, तुम जो चाहती थी मैंने वो सब किया। अब अगर तुम्हें मेरा सपोर्ट चाहिए तो तुम्हें मुझे रिकॉर्डिंग देना होगा। एमरे डियर, मैं तुम्हें वो रिकॉर्डिंग नहीं दे सकती, वो तो मेरा हुक्म का हिक्का है। डेविड, मुझे रिपोर्ट देनी है, तुम प्लीज अरेंज करने में मेरी हेल्प करोगे? हाँ, क्यों नहीं। डिटेल्स लेला, अगर तुम्हें काम है तो मैं ये फाइल मिस्टर एमरे को दे दूंगी। नो थैंक्स, मैं ये कर लूंगी। ठीक है, तुम कर लो। थैंक्स रिपोर्ट के लिए। एमरे सुनो, हम दोनों फिलहाल एक ही बोट में सवार हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर तुम्हें किसी और डायरेक्शन में जाना है तो तुम मुझे बता दो। याद है हम पास्ट में कितने खुश थे, हम दोनों ने साथ मिलकर कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। हम अपनी सारी मिस्टेक सुधार लेंगे, ट्रस्ट मी। ये तुम क्या कर रही हो? एमरे रिलैक्स। तुम्हारे रहते हुए मैं कैसे रिलैक्स कर सकता हूँ? इट्स ओवर, जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके ओके एमरे, आई अंडरस्टैंड, जस्ट काम डाउन। मैं समझ गई। या आई नो। अब से हम सिर्फ बिजनेस फ्रेंड्स हैं, ओके? देन लेट्स मेक अ डील एमरे। मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी अगर तुम जानू को कन्विंस करो कि वो मुझे यहाँ रहने दे। मुझे नहीं लगता कि मैं भाई को कन्विंस कर पाऊंगा। एमरे, आई थिंक यू डिडंट अंडरस्टैंड। मैं जो कहूँ तुम्हें सुनना होगा, और एक बात समझ लो कि मेरा तुम्हारे पास रहना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, रीजन तो क्लियर है। एम आई सरप्राइज्ड? मैं ही पागल थी। मैं इतनी स्टुपिड क्यों हूं? पर अब से उन लोगों की वैल्यू करूंगी जो मेरी वैल्यू करते हैं, जो हमेशा मेरे साथ हर प्रॉब्लम में खड़े रहते हैं। लैला, कैसी हो तुम? उस्मान, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आई एम फाइन, मुझे स्क्रिप्ट भेजी है, बस वही पढ़ रहा था मैं। ओह, सुपर्ब। कैसी है स्क्रिप्ट? डिफिकल्ट है क्या? तुम कर पाओगे ना ये तो? ऑफ कोर्स तुम कर ही लोगे, मैं भी क्या बोल रही हूँ सच में। हाँ, लग तो रहा है कि मैं कर लूंगा। कुछ सीन्स में एक्शन करने की जरूरत है, उसमें मुझे गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ेगी बस। ओह, एक्शन का सीन है। सुपर्ब, ओके देन, मैं तुम्हारा वक्त जाया नहीं करूंगी, तुम काम करो, सी यू लेटर। हाँ बोलो उस्मान। आज शाम तुम फ्री हो क्या? क्या हम आज शाम मिल सकते हैं? आज? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। बैठ कर बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है, हम शाम में बात करते हैं फिर। गुड बाय, सी यू, बाय बाय। I missed you so much. I missed you too. मेरा काम हो गया। मेरा थोड़ी देर में हो जाएगा। मैं बस पुराने कैंपेन्स चेक कर रही थी, अगर हमने ऐसा सिमिलर काम पहले किया हो तो थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाती। नाइस आइडिया। हाँ, ये रही कुछ नई डिजाइन्स। अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा है सच में। थैंक यू सो मच। तो चलो फिर, तुम काम खत्म कर लो, उसके बाद हम साथ चलते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। माउंटेन हाउस चले तुम और मैं, मूवी देखेंगे, सारी प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे।
हाँ क्यों नहीं, चलते हैं ना। नहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वो जेल वाली बात का मोहल्ले में थोड़ा इशू हो गया है, इसीलिए नहीं जा सकते। पर उन्हें कैसे पता चला? ऑफ कोर्स मेरे मोहल्ले में कुछ छिपता नहीं है। आई एम श्योर मॉम ने सबकी जमकर पिटाई की होगी, पर बड़ी प्रॉब्लम है कि मॉम और डैड के बीच सब सुलह नहीं हुई अभी तक। अभी तक? सच में? मैं चाहता था कि हम सब एक अच्छी फैमिली की तरह साथ रहे, पर देखो ना क्या हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, हम कुछ अच्छा खाने चलते हैं, फिर मैं तुम्हें वहां से घर ड्रॉप कर दूंगा। कैसा लगा प्लान? मैं आपको और खाने के लिए नहीं कह सकती, 5 मिनट में आऊं। ओके, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूं। ओके ओके। मिस्टर जॉन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। सर हम आर्काइव रूम में तुम फिर से शिफ्ट हो गई हो, कैसा लग रहा है? ये जगह ज्यादा कंफर्टेबल है इसलिए तुम यहाँ आकर बैठी? ऐसी बात नहीं है, मुझे पुरानी कैंपेन्स चेक करनी थी इसलिए यहाँ आ गई थी। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी डैरन? अच्छा मैं आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती थी, सो हाँ तुम मुझे ईमेल कर दो, मैं घर जाकर देख लूंगा, मुझे अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। अच्छा मुझे लगा था हम डिस्कस करेंगे, उसमें काफी इश्यूज होंगे तो बार बार एक ही काम करना पड़ेगा। पर अगर मेरी कोई फीडबैक रही तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ओके ओके टू वन थ्री फोर। कुछ नहीं मिलता है तो सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं, सनम तो निकम्मी है ना, उसे कुछ नहीं आता है। ये सब क्या है? क्या है मतलब? ये सारे मेरे कपड़े हैं, तुम्हें क्या हुआ? तुम घर से ये सब कब लेकर आए? बच्चियों ने मदद की क्या? नहीं। अच्छा है, मेरे पास अभी भी घर की चाबी है मिसेस मेवकेबे, अगर तुम्हें वो भी चाहिए तो बोल देना, दे दूंगा। क्या तुम यहाँ काफी टाइम तक रहने वाले हो? तुम्हारी वजह से। क्यों, मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें घर से निकाला है, मैंने कहा कि यहाँ पर आकर रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? सोचो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। अब इस सब के लिए मुझे ही शर्म आनी चाहिए है? ये बात कह रही हो? तो तुम मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करवाने वाले हो निहाल। और तुमने मेरी बेइज्जती की उसका क्या? मैंने सुना तुम मेरे बारे में गॉसिप कर रही थी, मेरे बारे में गली में चर्चाएं हो रही हैं। पर मैंने तो तुम्हें बस इतना। बस अब मुझसे नहीं होता, बहुत हुआ। तुमने जो कहा मैंने अपने कानों से सुना मेवकेबे। मैं गुस्से में थी इसलिए मुझसे निकल गया और कुछ नहीं मेरा। हेलो, कैसी हैं आप मैडम? मैं खाली प्लेट लेने आया था। ये लो, मैंने खाने में मीठा भी मंगाया था, वो नहीं दिया था तुमने? दरअसल वो खत्म हो गया था सर। खत्म हो गया था? अच्छा ठीक है, जाओ। ओके सर, मैं चलता हूं। थैंक यू। अच्छा तो तुम अब रेस्टोरेंट से खाना भी मंगाओगे? तुम्हें मेरी क्या जरूरत है अब? मैंने क्यों तुम्हारे लिए पेस्ट्रीज बनाई, तरह तरह के खाने बनाए, जब भी तुमने कहा मैंने वो बना कर दिया। पर अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? अब तो तुम बाहर से मंगा के खा सकते हो, मैं तो कुछ हुई नहीं। खाओ सड़ा खाना। सुनो, मुझे भूख तो लगी है मेवकेबे, पर भूख है सच्चाई जानने की, भूख है साथ की। पेस्ट्री में पालक डाली है क्या? पेस्ट्री में पालक डाली है, पर तुम्हें खाने की जरूरत नहीं ना। तुम भी बाहर से मंगा के खाओ और उनसे कहो कि पेस्ट्री में पालक डाल के दे, देखती हूँ कि डाल के देते हैं कि नहीं। बाहर से खाना है इन्हें। वैसे मुझे भूख तो नहीं थी, पर प्लेट यहाँ रखकर जाने में क्या गलत था? अरे वाह, ये लो, कितनी टेस्टी फिश है ना, एक बार खाऊं तो भी मन नहीं भरता। हाँ सही कहा, ये लोग फिश एकदम प्यार से बनाते हैं। प्यार से बनाते हैं? जान, आपको पता है जब मैंने आपको जेल में देखा तो मैं बहुत डर गई थी, आप वहाँ होना बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, आप बहुत अच्छे इंसान हैं जान। पर अब उस सब बारे में मत सोचो। पता है किस बात की सबसे ज्यादा फिक्र थी? किसकी? तुम्हारी। मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता था और मुझे लग भी रहा था कि अब तुम खुद पे ब्लेम डाल दोगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि फैब्रिक को ऑफिस में लाने वाली मैं थी। उस आदमी का नाम मत लेना प्लीज।
वो जो मून स्टोन्स थे वो टूट गए, वो खुटलत ला रहे थे, पर मैंने उन्हें तोड़ दिया, इसीलिए उनका मैजिकल पावर खत्म हो गया। सनम, मेरी मून स्टोन तुम हो, मेरी एंजल, मेरा मैजिक सब तुम हो। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे एक अच्छी सी हग दो, चलो आ जाओ, मुझे हग करना। मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा। कभी नहीं जाऊंगा, मेरा दिल मुझे कभी तुमसे अलग होने ही नहीं देगा। I really love you. तुम मेरा सब कुछ हो। अच्छा हुआ तुम ऑफिस से जल्दी निकल गई। हाँ हाँ, मिस्टर जान की सिचुएशन की वजह से आज कोई काम नहीं कर पाई मैं, जल्दी आ गई बस। अच्छा हुआ। उन्हें इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया? वो इटालियन आदमी तो स्टबन था ना? हाँ वो स्टबन है, पर हमने उससे भी ज्यादा स्टबन लोग देखे हैं। आइलिन, तुम जानते उसे? उसने फैब्रिक की एक गलती ढूंढी और उसे थ्रेटन किया, इसीलिए उसने कंप्लेन पीछे ले ली और बदले में शेयर्स आइलिन को दे दिए। उसने उसके शेयर्स आइलिन को दे दिए? आइलिन, ये वही औरत है ना जो मिस्टर एमरी की एक्स गर्लफ्रेंड या नई गर्लफ्रेंड? आई रियली डोंट नो, एक्चुअली मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मिस्टर जॉन सेफ है और फैब्रिक हमारी लाइफ से बाहर है, बस यही चीजें मुझे। और अब आइलिन के आने से तुम क्या डिस्टर्ब नहीं होगी, बताओ? हाँ आइलिन अब नई बिजनेस पार्टनर है, पर मैं वहाँ एक एम्प्लॉय हूँ। मैं बस मेरा काम करूंगी एंड दैट्स इट। मिस्टर जॉन और मैं चाहते हैं कि बस सनीम का इस पर असर ना हो, वरना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उस्मान है। हाँ, हाँ, पूछे क्या जाके? पूछो ना, मुझे भी वही लगता है। हाँ, जाओ जाओ, चलो जाकर पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, आप टीवी सीरीज वाले उस्मान है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ ये वही है, मैंने कहा था ना वही है। एक्चुअली हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। जब से आप उस सीरीज में आए हैं हम उस सीरीज का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। थैंक यू, इतनी तारीफ करने के लिए थैंक यू। क्या हम आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। क्या आपकी गर्लफ्रेंड फोटो ले लेंगी प्लीज? ओके दे दो मुझे। ये लो मैंने कुछ फोटोज ले लिए हैं। आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, बिल्कुल टीवी सीरियल की तरह। या सो स्वीट ऑफ यू। बाय बाय। थैंक यू सो मच। उस्मान तुम तो फेमस हो गए हो। हाँ हाँ ना, मेरे लिए भी ये सब कुछ फर्स्ट टाइम है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेट मी टेल यू, फ्यूचर में तुम ऐसे फ्रीली सड़क पर घूम नहीं पाओगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ ऐसा ही होगा, लड़कियाँ तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागेंगी। हाँ वो तो है, पर मुझे सिर्फ एक ही लड़की में इंटरेस्ट है। तुम मेरी बात कर रहे हो? पहले कभी भी उनमें इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, डैड कभी भी हमसे इतना नाराज नहीं हुए थे, खासकर मॉम डैड एक दूसरे से कभी इतने नाराज नहीं होते, वो तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। डोंट वरी स्वीटहार्ट, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे डैड मॉम एक दूसरे से दूर ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, और हम है ना, हमारा प्यार उन्हें वापस जरूर ले आए। हाँ हाँ आपने सही कहा, आप साथ है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ ओके, पर आप मोहल्ले में अकेले मत आइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है ना सनम, बार बार क्यों बोल रही हो मुझे? जान मैं जो भी कहती हूँ आप हमेशा उसका अपोजिट करते हैं, इसीलिए बार बार कह रही हूँ, अगर फिर पकड़े गए ना तो बवाल हो जाएगा। निहात का कहना है कि उसे सच्चाई जाननी है, उसे सच की भूख है, तो क्या मैंने कभी उसे सच्चाई नहीं बोली है? हमेशा सच बोला है। मॉम? क्या मॉम, क्या मॉम, क्या कहना है? कुछ नहीं मॉम, आपने कितना अच्छा खाना बनाया है। मॉम आप फिर से नॉर्मल हो रही है, आपके हाथों का जादू तो सुपर से ऊपर है। मैं आ गई। ओह मॉम, आज आपने ये सब कैसे बना लिया? हमेशा तो बनाती हूँ, आज ऐसा क्या खास हो गया? हमेशा बनाती हूँ मैं। ऑफ कोर्स आप हमेशा ही बनाती हैं। हाँ, आप हमेशा ही टेस्टी और डिलीशियस खाना बनाती हैं, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी शादी की दावत में आए हैं। सही कहा तुमने, शादी की दावत ही बना रही हूँ मैं। मॉम वैसे जान जेल से छूट गए। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ ना, तुम्हारे डैड नहीं है तो क्या हुआ? ऊपर वाला सबकी बात सुनता है, मैं हूँ यहाँ पर सुनने के लिए, मुझसे बात करो। डैड, डैड है मॉम? आज भी घर नहीं आएंगे क्या मॉम? तुम्हारे डैड रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं बड़े मजे से, जैसे मैंने कभी अच्छा खाना ही नहीं खिलाया। ओ मॉम ऐसे बात मत करिए, प्लीज स्टॉप इट। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मॉम? तो मॉम मुझे बताइए, डैड अभी भी शॉप में ही है ना?
मॉम अब बस बहुत हुआ, मैं डैड से लड़ने जा रही हूँ। उनसे ये मत कहना कि मैं रो रही थी। लेला जाओ ना, कहो ना उससे ये कहीं उन्हें बताना दे जाकर। उसे बताना तो होगा मॉम, मुझे रोते देखकर उन्हें खुशी होगी, दुश्मन है मेरे। मॉम क्या बोल रही हैं, ऐसा नहीं है, रोइए मत आप, सब ठीक हो जाएगा। आप इतनी चिंता क्यों करती है, सब ठीक हो जाएगा मॉम, सब ठीक हो जाएगा। आइए आप बैठ जाइए, बैठ जाइए जल्दी से, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप बैठिए। मैं भी आई, पूरा बदन दुख रहा है मेरा। अगर ऐसे शांत रहेंगे तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? देखिए, मैं जानती हूं आप क्या कहेंगे कि इस बारे में पहले सोचना चाहिए था, मैं समझ सकती हूं। याद है जब मैं छोटी थी तो ऐसे दौड़कर आपके और मॉम के पास आती थी क्योंकि मुझे अकेलेपन से डर लगता था, और आज आपकी चुप्पी देखकर मुझे फिर से वही अकेलापन महसूस हो रहा है। जिंदगी के तूफान से बचाने वाले मेरे वो डैड मेरे साथ क्यों नहीं है? आकर मेरे बगल में सोती थी ताकि मॉम तुम्हें न डांटे, क्योंकि आप हम पर कभी गुस्सा नहीं होते। करता बेटा, कितने छोटे छोटे हाथ और पैर थे तुम्हारे, एकदम गुड़िया की तरह लगती थी तुम। जब हमारे हाथ पैर ठंड से कांपते हैं तो आप उन्हें गर्माहट देते हैं। इतनी बड़ी कब हो गई मेरी बेटिया, मुझे पता ही नहीं चला। डैड, मैंने आपका दिल तोड़ा, आपके नाक शर्म से झुका दी। तुम मेरी नाक कभी नहीं झुका सकती बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मुझे बस फिक्र थी बाप जो हूँ मेरी बच्चियों की खुशी, उनकी खुशी, मुझे और क्या चाहिए बेटा, मेरा क्या है, मैं आज हूँ। डैड ऐसा मत कहिए। जाना तो सबकी किस्मत में लिखा है, याद रखना मेरी बच्ची हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अगर तुम्हें किसी ने दर्द पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे डैड तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। डैड आपने मुझे माफ कर दिया। अब मेरी आंखों में देखो और जवाब दो, क्या तुम्हें वो आदमी मिला जो तुम्हें हर हाल में मेरी तरह प्रोटेक्ट करेगा? हाँ। आपने मुझे माफ कर दिया ना डैड। मैं तो तुमसे कभी गुस्सा था ही नहीं, तुम मेरी जान हो बेटा। ठीक है, पर अब आप मेरे साथ घर चलिए क्योंकि मॉम बहुत दुखी है। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मॉम को कभी माफ नहीं करूँगा। पर डैड उनकी। नहीं सुनो बेटा, तुम्हारी मॉम ने मेरा दिल तोड़ा है, मैं उसे माफ नहीं करने वाला। पर आज उन्होंने आपका फेवरेट डिजर्ट बनाया है। क्या कहा, सच में? हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं छोड़ दो, प्लीज डैड मत पढ़ो, ओके? अब जाओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, और
और इतनी जल्दी बड़ी मत होना, ठीक है? जिद्दी है वो, बहुत जिद्दी है। सच में? तो क्या कहूँ, मैं उन्हें बताने वाली थी पर मोहल्ले वालों ने उनके सामने कुछ कह दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मॉम प्लीज आप ऐसा मत कहिए ना। मैं अच्छे से जानती हूँ पर मैं उनसे माफी बिल्कुल नहीं मांगने वाली, अब बिल्कुल नहीं मांगूंगी। मॉम मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है, आप जिनसे प्यार करते हैं उन्हें हर्ट कैसे कर सकते हैं? बोलिए ना, बताइए ऐसे कैसे कर सकते हैं, बताइए मुझे। उन्होंने मुझे हर्ट किया है। मॉम आई एम श्योर वो भी दुखी होंगे, सच में। आप डैड का वेट कर रही है ना? वो नहीं आए ना? नहीं तो मैंने उन्हें बताया कि घर पे कदाइफ बना है। सच कह रही हो तुम? कदाइफ बना है, लेकिन इसका नाम लेने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं आऊंगा। लेकिन उन्होंने मुझे माफ कर दिया है क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, इसीलिए। और उन्होंने कहा कि मैं उनके जिगर का टुकड़ा हूँ। यहाँ मेरी किसको पड़ी हुई है? वो तुमसे बात करेंगे, मेरे से कौन बात करता है यहाँ? मुझसे क्या लेना देना? मैं यहाँ पर खाने बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, पर मेरी किसे परवाह है? तुम लोग खा लेना, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी इस घर में मेरी किसको पड़ी हुई है? मुझे लगा पीछे से मुझे मुक्का मारेंगी। अरे सनीम, ये दोनों इतने साल से साथ में हैं और अब देखो तो उन्हें जरा। हाँ अच्छा है तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिला, बाकी सब तो सफर कर रहे हैं। हाँ मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया, आपको भी मिल जाएगा। आप दिल छोटा मत कीजिए, डोंट बी सो होपलेस। मैंने आज आइलेन और इमरे को किस करते हुए देखा, इमरे की कैबिन में, ऑफिस में, सबके सामने। ऑफिस में किसिंग अलाउड है? कितनी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। वेरी शेमफुल। चलो माना आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, बट ऑफिस के बाकी लोगों का क्या? उन्होंने कभी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं किया? क्या बोलूं मैं, पर इस सब की वजह से मैंने एक सबक सीख लिया है सनी, इसीलिए मैंने आज एक डिसीजन लिया है। आज से जो लोग मुझे चाहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वैल्यू करते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करूंगी। इसीलिए मैं ओस्मान को चांस दूंगी अपनी तरफ से। आर यू सीरियस? सच में ये कह रही है? आज ही हमने साथ में चाय पी। मुझे उस्मान बहुत पसंद है और मैं 100% उसकी साइड में हूँ। आई एम रियली हैप्पी। हाँ वो सच में बहुत अच्छा है। आई होप आप उस्मान के साथ खुश रहे। आई होप सो माय डियर। मुझे आपके साथ कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? मैंने फैब्रिक को जाकर परफ्यूम दे दिया है ताकि वो जान पर किए हुए कंप्लेंट्स को वापस ले ले और उनके शेयर भी वापस दे दे, पर उसके बदले आइलेन आ गई। तुम्हें नहीं पता था आइलेन इन्वॉल्व्ड है? नहीं पता था, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। अगर जान को पता चला तो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है लैला, मैं उनसे ऐसी ही चीजें छिपाती रहती हूँ और फिर गड़बड़ हो जाती है, पर इस बार मुझे ये सब बातें उन्हें जाकर बतानी है। हाँ हाँ तुम्हें बताना होगा, पर अब से थोड़ा संभल कर सनी, तुम जो भी करो बस याद रखना जान को हार्म नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी बहुत झेल चुके हैं पहले से ही, तुम जानती हो। बहुत शर्म की बात है। डोंट वरी। मैंने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया। Thank you.
क्या बात है, तुम काम कर रहे हो? व्हाट्सअप ब्रो, मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हें सिचुएशन मालूम है ना, हमें प्रेजेंटेशन देना है और हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है। मुझे कल फाइनल ड्राफ्ट देखना। थोड़ा रेस्ट कर लो, वैसे भी तुम्हें कल रात नींद नहीं आई होगी ना। ऑफ कोर्स, कैसे आएगी नींद, कौन सोता है जेल में। एनीवे, तुम बताओ, हमारी सुबह बात नहीं हो पाई थी। हाँ सब ठीक चल रहा है, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया। फाबरी का जाना, आइलैंड का आना, फाबरी से बेटा तो आइलैंड ही है। और अगर उसे शेयर्स नहीं मिले होते तो आज हम कोई प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे होते। पता नहीं क्या हो रहा होता और क्या नहीं। हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम्हें ये सब थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा क्या? फैब्री उसकी कंप्लेंट पीछे ले लेता है और आइलैंड को शेयर्स दे देता है, सो वियर्ड है ना। मैंने फैब्री की आंखों में गुस्सा और एम्बिशन दोनों देखा है, जरूर दाल में कुछ काला है ब्रो। सही कहा, पर वो आइलैंड उसे फैब्री के किसी फ्रॉड के बारे में पता चल गया होगा, उसने फैब्री को डराया होगा और क्या। वैसे भी मैकिनन ने भी तो उसके बुरे कामों के बारे में बताया है। पता नहीं है ब्रे, फैब्री ने कंप्लेंट वापस ले ली ना, मैं उस मूव से थोड़ा कन्विंस नहीं हूँ। मुझे काफी गड़बड़ लग रही है। I mean, something is not right. तुम सही हो सकते हो, बट यू डोंट वरी, मैं ढूंढ निकालूंगा। तब तक आइलैंड को हमें हमारे साथ रखना होगा। हमारे साथ? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम चाहते हो कि वो ऑफिस में रहे? मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। एटलीस्ट अभी के लिए उसे यही रहने दो। मैं तो सबूत ढूंढ ही रहा हूँ ना भाई, तुम देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके ठीक है, तो तुम उस पर फिर से भरोसा मत कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बी स्मार्ट। नो, नेवर। गुड, ओके देन, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। अच्छे से सोना। गुड नाइट ब्रो। तुम सो गई क्या? अभी नहीं, आप ही के बारे में सोच रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। सब ठीक है ना? अब डैड आ गए क्या? बात हुई? हाँ मैंने बात की, पर वो घर नहीं आए, पर उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। रियली? उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे वो आदमी मिल गया जो मुझे उनके जैसा प्रोटेक्ट करेगा। मैंने उसे कहा हाँ। ऐसा कहा तुमने? वो आदमी मैं हूँ। हाँ आप हो। मुझे ना तुम्हें अभी किस करने का मन कर रहा है, पर क्या करो, ये फोन्स में ना अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं है। आप कितने स्वीट है। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय स्वीट हार्ट। लगता है मॉम कमरे में आ रही है, मुझे फोन रखना होगा। ओके बाय। ओके तो मैं काम करता हूँ, मैं इस ट्रिप के लिए रेडी हो जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे सपने में आ रहा हूँ ना, वहीं मिलूंगा मैं तुमसे। ओह जान डार्लिंग। सपने में तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है बताओ? गैलापागोस। गैलापागोस, फैंटास्टिक चॉइस है तुम्हारी। ओके अब तुम सो जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें सपने में मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। अपने डैड से कह दो स्वीट खत्म हो गई है। डैड, अरे मॉम से कह देना मैं अब स्वीट्स का दीवाना नहीं रहा, कह देना। इनसे कहो कि कल घर आ जाना चाहिए था, खाना देखते तो दीवाने हो जाते, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने खा लिया। इससे कह दो मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकने वाला। ओ, अच्छा ये बात है। तुम्हारे मॉम से कह दो बेटा कि एक प्रेसिडेंट होना काफी नहीं है, घर परिवार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए, जिम्मेदारी है, समझी ना। दुकान में काम करने के बाद क्या तुम घर में कोई काम करते हो, बताओ मुझे। इससे कहो कि सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब न करे, वो तो मुझे काउंसिल और टैक्स ऑफिस जाना था, इसलिए यहाँ मदद मांगने आया था कि कोई दुकान पर रुक जाए। कहो तुम्हारी माँ से, कह देना। इनसे पूछो कि इनके प्यारे दोस्त इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, अब इनको घर
घर की मदद की क्या जरूरत है बताओ। हमारी मॉम से कहते ना बेटा कि दुकान बंद होगी तो हमारी बिक्री नहीं होगी और हम गरीब हो जाएंगे, क्या उसे ये पसंद होगा? मैं तो सारे काम कर लेती हूँ, दुकान भी संभालती हूँ, घर भी संभालती हूँ। अरे वाह वाह वाह, हमारी प्रेसिडेंट कितनी महान है, कितनी अच्छी है हमारी प्रेसिडेंट। काश तुम्हारे डैड भी घर के लिए उतना ही काम करे जितना कि मैं करती हूँ, तब पता चलेगा। कर सकता हूँ, कहो तुम्हारी मॉम से कि कोई कोई नहीं सुन ले। काश ये इतना लंबा नहीं चलता, वो सच में बहुत खास है। काश कुछ ऐसा नहीं होता, इन्होंने इससे पहले भी कई बार ऐसा बर्ताव किया। सनी, ये वही परफ्यूम है ना जो तुमने बनाया था? हाँ, मैं जल्दी ही एजेंसी से निकलूंगी और इसे फैब्रिक को दे दूंगी और हम इस बात को फिर भूल जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग। 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 गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। ओके तो गाइस, आज हम हमारी सारी एनर्जी और क्रिएटिविटी, हमारा पूरा फोकस सिर्फ रेडमोड कॉस्मेटिक्स के लिए यूज करेंगे। भले ही सब कुछ ठीक ना हो, हम हमारा कैंपेन सक्सेसफुल करके रहेंगे। ओके, सुनाई नहीं दिया? हेलो, सही करेंगे। तो क्रिएटिव टीम मेरे साथ डिस्कशन के लिए आ जाइए। चलो, तुम्हारा सेंट मुझे डिजी कर रहा है। हाँ, सो गाइस, ये कैंपेन हमारे लिए दुनिया का सबसे अच्छा कैंपेन है, तो हम साथ मिलकर हमारी सारी एनर्जी इस कैंपेन में लगा देंगे। हम सबको अपना बेस्ट देना होगा। ओके, आप सभी ने आई एम श्योर की प्रेपरेशन कर दी होगी, तो मैं एक एक करके सबका काम देखना चाहूंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जे जे इधर आओ। जे जे स्टार्ट करो। ओके गाइस, तुम लोग सच में अमेजिंग हो, हमें बहुत भूख लगी होगी। चलो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम वापस काम पर लगेंगे, हम थक भी गए होंगे। चलो खा के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, आ जाओ। ओके, सही बात है। ओके, तुम लोग फैंटास्टिक हो। चलो चलो शक्कर खा लेते हैं। चलो हम साथ में खाएंगे। एक्चुअली आज मुझे काम है तो मुझे जाना होगा। क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना? नहीं, आपको पता है ना, मॉम और डैड का झगड़ा हुआ है, तो मुझे वहां जाकर वो सॉल्व करना होगा जल्द से जल्द। हाँ, शायद मुझे वहां कर तुम्हारे डैड से बात करनी चाहिए। चलो। नहीं, सिचुएशन कुछ ज्यादा ही टेंस है। ओके, as you wish। ठीक है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। कई दिनों तक इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा है। चलो आती रहना, बाय। अरे वाह, ये फूल किसे दे रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं सनीम की मॉम से मिलने जा रहा हूँ, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि उन्होंने जान को अपने आप से बचा लिया, और ये कहने के लिए कि मैं उनका दामाद बनने के लिए तैयार हूँ, मैं सनीम से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर हर। तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं? नहीं मॉम, मुझे जाना होगा, मैं सनीम को उस बेकार आदमी से बचाना चाहता हूँ। मुझे डर है कि वो कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए मुझे बचाना होगा उसे। तुम कुछ नहीं करोगे, दो मुझे। अरे रुको, छोड़िए, मुझे जाना होगा, प्लीज मॉम छोड़िए, जाना है। क्या मॉम, आप बिना ऐसे बंधन कर? अच्छा हुआ तुम आ गई, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, एकदम हीरो लग रहा हूँ कि नहीं मैं? वैसे बाहर से तो ठीक ही लग रहे हो, पर अंदर से नहीं पता क्या चल रहा है। बकवास जोक मारना बंद करो, मैं सनेम को जाकर ये फूल दूंगा और उसे कहूंगा कि उसे मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला। किस लिए?
ये क्या, ये बात तो पूरे मोहल्ले वालों को पता है। जान दिवित एक क्रिमिनल है, उसने बहुत सारे क्राइम किए, दुनिया का सबसे अच्छा लॉयर भी उसे बचा नहीं सकता, पता है तुम्हें? मुझे तो ये बात पहले से पता था कि वो आदमी अच्छा नहीं है। पर जान के खिलाफ जितने भी कंप्लेन थे वापस ले लिए गए हैं, वो फ्री है। ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं है, ये तो चीटिंग है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कब हुआ? मैं तो इंतजार कर रहा था कि उसे कब उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। मेरा तो नसीब भी फूटा हुआ है, अब मैं क्या करूँगा? उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है। नहीं नहीं, वो इनोसेंट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पता है उन पर कितने इल्जाम लगाए गए? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजार इल्जाम लगाए गए। वो बहुत ही बुरा आदमी, मैं तुमसे बता रहा हूँ, उस पर भरोसा मत करो। तुम मैंने तुम्हें बताया ना, उन्होंने तुम पछताओगी, मैं कह रहा हूँ तुमसे। अच्छा, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात पर कोई यकीन क्यों नहीं करता? वो आदमी आदमी नहीं, वो शैतान है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो। अरे मॉम, आप तो मेरी बात समझिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, आप भी पछताएंगी। बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा। जाने दो उसे, पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। जान, देखिए कौन मिलने आया है। Hey, welcome, Jeda. जान, कैसे हैं आप? Thank मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, कैसे हैं आप? Hello, Mr. Mackenzie. Hello. I'm sorry, हम ऐसे ही चले आए। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। In fact, आज ही हमने मीटिंग की और काफी फ्रूटफुल रही। जान, देखिए, मैं आपसे ओपनली बात करना चाहूंगा। मैंने सुना कि फैब्री से कल आपकी कुछ अनबन हुई है, जो कुछ भी हुआ था। मुझे जेदा ने बताया है कि सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, जो अब सॉल्व हुई है। हाँ, जरूर, जो भी हुआ गलत हुआ, अनफॉर्चुनेटली। मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसा ऑनेस्ट इंसान एक बदतमीज आदमी के साथ कभी भी काम नहीं कर सकता। मिस्टर मैकिनन, एक बात आप जान लीजिए, मेरा या मेरी कंपनी का उससे कोई भी नाता नहीं है। आपको तो पता ही होगा कि इनका फैब्रिक के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। पर मैं अश्योर करता हूँ कि आपने हमको चुनकर कोई गलती नहीं की है। हम आपको अपसेट नहीं करेंगे, हमारा उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। मुझे यह सुनकर वाकई अच्छा लग रहा है। आइए ना, बैठिए, साथ में कॉफी पीते हैं। आजा। नो थैंक्स, हमारी अगली मीटिंग शेड्यूल्ड है, मैं बस आपको हाय कहने आई। ठीक है मिस्टर जान, कल हम प्रेजेंटेशन पर मिलते हैं। सी यू माय डियर जान, बाय। जेदा, थैंक यू। माय प्लेजर, मैं जानता हूँ आप प्रिपेयर हैं। यू डोंट वरी। जान, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या हुआ है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग्स फाइन। अच्छा है। मैकिनन के साथ हमारा काम जारी है। मुझे वाकई एलन पर गुस्सा आ रहा है, पर आई एम हैप्पी कि अब फैब्रिक्स को लेना देना नहीं है। अच्छा, मिस सनम, आइए बैठिए। वक्त नहीं है, मैं परफ्यूम लेकर आई हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स इसमें लिखती है। परफ्यूम में जाता था, ब्रेव, सेक्सी और इनोसेंट, एकदम मासूम, क्या बात है। सारे इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स इसमें लिख दिए है, प्रिपरेशन और इसे बनाने की मेथड भी। बढ़िया बढ़िया, हम ऑल टाइम वेस्ट नहीं करते और तुरंत ही। सर, स्मॉल डिटेल्स भी फिनिश कर लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट पर तुम साइन करो और सारी फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाएंगी। मैंने वो सब कर लिया था मिस्टर फैब्री, जो हमारे बीच में तय हुआ था, लेकिन इस एग्रीमेंट में आइलिन नहीं थी। मिस सनम, आपने मुझे कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहा था, और मैंने ली। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं शेयर्स को असाइन करूं, और मैंने मिस्टर जान के लिए सारे कंडीशंस फुलफिल किए हैं। आई हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल, समझे ना? आप मुझे बातों में उलझा रहे हैं।
सनम, सीनियर जान बहुत ही ग्रेटफुल होंगे। ये परफ्यूम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। वरना ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं कंप्लेंट वापस लूं, इसलिए संभल के रहो, वरना तुम नहीं जानती इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। It's over now. It's over. I hope we never meet again. क्या पता? शायद हम दोबारा मिले। तो तुमने कुछ भी नहीं कहा है ना? नहीं, मैं क्या करूंगा। जेदा ने पहले ही सब सिचुएशन को ठीक कर दिया, पर मैकिनन को अभी भी थोड़ा डाउट है, जो जायज भी है। मैं बस ये कह पाया कि हम आपको अपसेट नहीं करेंगे। हाँ, ये कहकर तुमने अच्छा किया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। ओके भाई, तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा वैसे सनम और तुम्हारा क्या, क्या तुमने उसे प्रपोज किया? नहीं, टाइम ही नहीं मिला और कल रात हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। शायद आज रात मिले। होप तो यही कर रहा हूँ, मुझे उससे बात करनी है। आई होप सब अच्छे से हो जाए। हर बार कुछ ना कुछ अलग होता है। लैला। सनी, लैला किसी ने मुझे बुलाया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ओके जान। जान अपने रूम में है। मैकिनन और सीधा भी आए हुए थे यहाँ पर। किस लिए? मुझे तो लगता है कैमरास उसने लगवाए हैं। जब भी मैं बाहर चली जाती हूँ वो चली आती है। अजीब ही सिर दर्द है। मुझे पता नहीं, पर उन्होंने क्या बात की फिर? मैकिनन जाते वक्त काफी खुश नजर आ रहे थे, लगता है सब ठीक है। आह गुड, अच्छी बात है। सनी, तुम्हारा काम ठीक से हो गया ना? हाँ हाँ, इट्स ओवर। देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए, पर तुम खुश रहो यही चाहूंगी मैं। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ लैला। चलो अब मैं जान से जाकर मिलती हूँ। ओके हनी, ठीक है, अपना ध्यान रखो। चाय का कलर एकदम परफेक्ट है, क्या ये लव रेड है? हाँ, बता दो जरा मुझे। हाँ, काफी प्यार से जो बनाया है। अच्छा, आज रात कोई प्लान मत बनाना, हम बाहर जाएंगे। नहीं नहीं, आज घर पर कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, घर पर ऐसा क्या काम है? तुम वहाँ नहीं थी अभी? थी ना? हाँ 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 हाँ, पर आज डैड काफी बिजी थे और मॉम भी अपने दोस्तों के साथ थी, इसलिए मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर पाई, लेकिन आज रात को मैं जरूर बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। आई होप सब ठीक हो जाए जल्द से जल्द। मैं समझता हूँ स्वीटहार्ट, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा काम के बाद, पर बीच में हम कहीं रुकेंगे। कहाँ? देखना तुम, अभी तक फिक्स नहीं है, तुम्हें रास्ते में समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं बाद में। ठीक है, मैं आपको फॉलो करती हूँ। ओके, हम ये ग्लास कॉफी के पास छोड़ देते हैं। लैला, क्या तुम फ्री हो? यस मिस्टर एम्ब्रे। पीआर एजेंसी से मार्केट रिसर्च फाइल आई हुई है। जी हाँ, कल मैंने आपको एक ईमेल भेजा था, वो पैक है, आपके रूम में है। आई नो, मैंने देखा, मैंने चेक भी किया। ठीक है, तो फिर क्या?
लैला, अच्छा होता अगर तुम वो फाइल खुद लेकर आती, हम साथ में उस पे काम करते। मैंने प्लान किया था पर आप बिजी थे, आप मुझे नोट्स ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं देख लूंगी। हेलो एमरे डियर, कैसे हो? फाइनल। हेलो उस्मान, कैसे हो तुम? आई लव दैट बैंड, कब है कॉन्सर्ट जरा देखो तो। सुपर्ब। हाँ वीकेंड में मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा एमरे, मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, तुम फ्री हो? मैं दिख नहीं रहा क्या? इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ। मैं आज रात को भी अवेलेबल हूँ, अगर तुम चाहो तो हम मिल सकते हैं। ठीक है, ऑफिस के बाद मिलते हैं, तुम्हें कॉल करती हूँ। चलो बाय बाय एमरे। आइलिन, मैं अभी बिजी हूँ, तुम मेरे केबिन में जाओ, हम वहाँ बात करेंगे। हाँ मिस्टर एमरे, आपको कुछ चाहिए? हाँ लैला, आज शाम को तुम्हारा कोई प्लान है क्या लैला? इससे आपका क्या लेना देना है? तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, 3 दिन बाद ही तुम्हें कोई और पसंद आने लगा। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर एमरे। लैला, तुम मेरी फीलिंग्स पर सवाल उठाती हो ना, पर तुम खुद भी वैसी ही हो। आप मेरी जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट मत दिखाइए, आपको कोई हक नहीं है। अगर काम डिस्टर्ब होगा तो मैं करूंगा, हमें फाइल एग्जामिन करनी है। ये काम अभी इतना अर्जेंट नहीं है। लैला, मेरे पास सारे नोट्स तैयार हैं इसके, तुम मेरे साथ काम करो। ऑलराइट मिस्टर एमरे, मैं जल्द से जल्द कर लूंगी। इस पर आपके नोट्स लिख दीजिए, ऑफिस खत्म होने से पहले मैं पूरा काम कर लूंगी। हमें साथ में काम करने की जरूरत नहीं है। आ गए हम। क्या हम जा रहे हैं? ओके जॉन, हम यहाँ क्या करेंगे? ये क्रेडिट नोटबुक को बेचना है, ये सब एसेट्स और लायबिलिटी। पहले यहाँ वहाँ देख लीजिए, कहाँ जाना है जॉन? जॉन जॉन, हाँ जॉन, हम फिशिंग करने वाले हैं, प्लीज ये नहीं करते हैं ना। तुमने जो फिश खाई थी वो तुम्हें अच्छी लगी थी ना, टेस्टी थी है ना? हाँ पर खाने वाली बात तो अलग थी ना। अब से मैं तुम्हें फिश खाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें फिश पकड़ना सिखाऊंगा, आ जाओ। ये फिशिंग रॉड है? नहीं, हम फिश नहीं पकड़ेंगे, हम उसका उल्टा करेंगे, मुझे कुछ अलग करना, फिश हमें पकड़ेगी, तो चलो आओ ट्राई करते हैं। कैसे? ऐसे मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ, मैं यहाँ अक्सर आता था जब मैं छोटा था। मेरा मतलब है कि मॉम हमें यहाँ छोड़ जाती थी, जब भी मुझे अकेला महसूस होता था तो मैं यहाँ आता था। जैसे जब भी मुझे विश मांगी रहती थी तो मैं यहाँ आता था और ये जगह मुझे हील होने में हेल्प करती थी, तो ये जगह काफी अच्छी है। जैसे एक विश ट्री है ना? हाँ कुछ वैसा ही। मैं यहाँ दिल से मांगने आता था और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी को ये बात बताऊँ। सच में? पर क्यों? क्योंकि ये बहुत बचपना है और मैं यहाँ मेरे साथ किसी को पहली बार ला रहा हूँ। ये जगह मेरी सीक्रेट प्लेस है और ये समुंदर मेरी विश वेल है, तो तुम चाहो तो तुम भी यहाँ विश मांग सकती हो। अच्छा, लेकिन आप यहाँ क्या विश करते हैं? कि मेरे मॉम डैड वापस से आए। जब मेरी मॉम एमरे को लेकर हमें छोड़कर चली गई थी जान, मैं नहीं, जरूरत नहीं है सनम। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि दोनों अपनी अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं, इसीलिए मैंने तब से अपनी विशेस भी चेंज कर ली। पर तुम्हारे पेरेंट्स के लिए अभी देर नहीं हुई है, अभी भी होप्स है राइट? तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई, आई थिंक कुछ ना कुछ वर्कआउट हो ही जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या विश मांगने वाले हैं? हाँ रुको, मैं कुछ दिखाता हूँ। अब
हम ये छोटा सा कागज लेंगे और हम उसे इस फिशिंग रॉड से अटैच करेंगे और उसे पानी में फेंकेंगे। उसके बाद अगर फिशेस ने उसे एक्सेप्ट किया तो हमारी विशेस पूरी हो जाएंगी। क्या सच में मछलियाँ पेपर एक्सेप्ट करती है? ट्राई करके देख लो ना, पूछ के रही हूँ। हाँ करते हैं, मैं लिखती हूँ। चलो लिखो। हाँ हाँ, यही चीजें तो हमें हमारे मोहल्ले में देखनी है। और लोग कहते हैं उनके पास पैसा नहीं है। हाँ वैसे है कौन ये? यहाँ रुक रहा है? क्या मालूम कौन है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये चल क्या रहा है? लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। जाने कौन कौन मोहल्ले में आने लगा है। हेलो भाई साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये अचानक से बंद पड़ गया। देखने दीजिए। अरे इसका इंजन तो एक हीरे का डब्बा लग रहा है। कितना टाइम लगेगा? अब प्लीज आराम कीजिए, मैं देख लूंगा। अरे मैडम चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसे ठीक करने में मदद कर दूंगा। वैसे आपका इस मोहल्ले में स्वागत है। बताइए आप काम क्या करती हैं? मुझे बिल्लियों से नफरत है। माफ कर दीजिए मैडम, पर हमारा मोहल्ला ही ऐसा है, यहाँ अक्सर ऐसी परेशानियाँ आती रहती हैं। हमारी एक प्रेसिडेंट है, वो और उसकी बेटी हमेशा बिल्लियों के लिए घर, कुत्तों के लिए घर, पंछियों के लिए घोंसला बनाते रहते हैं। हमारा मोहल्ला अब चिड़ियाघर बन चुका है, बताइए। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा ठीक है, मैं इंजन चेक करता हूँ। हमारे यहाँ आते रहिएगा, हमारी दुकान आपकी ही है, इंतजार रहेगा। हेलो हेलो मैडम, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? क्या ये घर सेल पर है? हाँ ये है, आप देख रही है ना, वहाँ पर लिखा है फॉर सेल, है ना, बड़े बड़े शब्दों में। अरे नहीं नहीं मैडम, यहाँ सेल के लिए अलग जगह भी है। हाँ बहुत है, मैं इन्हीं सब चीजों के काम करता हूँ इस मोहल्ले में। मैडम अगर आप पसंद करोगी तो मैं आपको और घर दिखा सकता हूँ। चलिए चलिए। पर ये मेरे लिए यूजलेस है अगर सिर्फ एक ही है तो। आपका मतलब क्या है? आपको और कितने घर लेने हैं? मेरा मतलब है कि आप एक साथ कितने घरों में रहने वाली हैं? क्या बकवास किए जा रहे हो, रुको तो। अगर सारे साथ में होते। ओ भाई ये है कौन? ये बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी है क्या जो ऐसे बिहेव कर रही है? ये बात क्या आखिर भाई, बताओ। मुजफ्फर अपना मुंह बंद रखो ना। लेकिन इस घर को अगर हमने फ्रेंच कॉलोनियल स्टाइल में रेनोवेट किया तो काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपके लिए तो ये मोहल्ला भी हम रेनोवेट कर देंगे। आप बिल्कुल सही जगह आई हैं, मैं आपको हर चीज में मदद करूंगा। मेट्रो स्टेशन यही है और ये रहा फेरी स्टेशन। जरूर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज नहीं करती होंगी, लेकिन हम यहाँ आपके लिए हेलीकॉप्टर पैड्स बना सकते हैं। हाँ। मैडम एक काम कीजिए, आप बैठ कर नहीं जाती है, मैं आपके लिए काम करता हूँ। आपके लिए चाय, ठंडा कॉफी, आप जो कहेंगे मैं वो लेकर आऊंगा। एकदम जबरदस्त मिलता है यहाँ पे। तुम्हारे पास मिनरल वाटर है क्या? हाँ सोडा चाहिए, बस अभी गया और अभी आया, आप बस वेट कीजिए मेरा। अरे मुजफ्फर इनको मिनरल वाटर चाहिए। अरे मैं उसमें एक नींबू की स्लाइस डाल दूंगा, अभी ऑर्डर करता हूँ। रामे एहसान भाई सुनिए, आप इतना जोर से मत चिल्लाइए, इनके कान बहरे हो जाएंगे। जस्ट रिलैक्स, ओके मैं इनसे बात करता हूँ। अच्छा सुनिए मैडम, हमारे यहाँ एक किराने की दुकान है, वहाँ सब मिल जाएगा। आप बस मुझे बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए, मैं वो जाके लेकर आता हूँ। सुनिए, अरे रुको ना भाई। सॉरी आपको टच किया मैंने, आई एम रियली सॉरी। सॉरी कर रहे हो ना भाई, मैं आपको मिसेज मैफकी बहुत ही अच्छी लेडी है और वो हमारे एरिया की प्रेसिडेंट भी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं वाइस प्रेसिडेंट, हम दोनों ने मिलकर एक पब्लिक लाइब्रेरी भी ओपन की है और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम वो सॉल्व करते हैं। उनकी दुकान में सब कुछ मिलता है, आप बस बताइए कि आपको क्या चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, टॉयलेट पेपर, सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। वो रहे हमारे मोहल्ले की शान और ये इनकी किराने की दुकान और ये हमारी प्रेसिडेंट भी है जैसे कि मैंने कहा था। मिफ्की बंटी, सॉरी मिस प्रेसिडेंट, कैसी हैं आप? ऊपर वाला आपको खुश रखे। मैडम की कार खराब हो गई थी और इन्हें कुछ पीने का मन था तो मैंने इनसे कहा कि आपकी किराने की दुकान में सब कुछ मिलेगा, इसलिए मैंने इन्हें आपके पास ले आया। ओ, अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? थैंक यू। चेयर लेकर आओ इनके लिए, खड़े थोड़ी ना रखना है इनको। क्या लेंगी, चाय या कॉफी? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या लेना पसंद करेंगी, चाय या कॉफी? मिनरल वाटर मिलेगा क्या? मिनरल वाटर? हाँ सोडा, हमें सोडा पता है। मिनरल सोडा, मिनरल सोडा।
ये रहा मिनरल सोडा, एनर्जी से भरपूर। इसे एक बार पियोगे तो बार बार पीने का मन करेगा। इनकी दुकान में सबसे ज्यादा यही चीज बिकती है, क्यों? सही कहा ना मैंने? आप एक बार ट्राई कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। वेरी ऑथेंटिक। आओ, आओ, ये क्या किया? आई होप इस पर स्टेन ना पड़ जाए। ओह माय गॉड। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ पानी जैसा ही है ना, कुछ नहीं होगा। ये फैब्रिक बहुत स्पेशल है, इसे तो बारिश की एक बूंद भी खराब नहीं कर सकती, इसलिए बता रही हूँ कि पहले से बता देना अच्छा होता है। सच में? हाँ। अगर ये फैब्रिक इतना स्पेशल है तो हमें उसके लिए एक स्पेशल सॉल्यूशन ढूंढना होगा। ये एक स्पेशल टिश्यू पेपर है और आपको पता है ये खास ऐसे ही मौकों के लिए बनाया गया है। अब ये देखिए इसका कमाल। ऐसा नहीं करते हैं। ओके, तो क्या तुम रेडी हो? रुको रुको रुको, मैं एक और विश लिखने वाली थी, ये मैं बचपन से मांगना चाहती हूँ। हमारे पास वो नीडल्स नहीं है, चलो इसे ही फेंकते हैं ना। अगले विश से अगली बार क्लियर रखो प्लीज। ओके, एक साथ। ओके, थ्रो करना चाहोगे? हाँ। ओके, आजा साथ में करते हैं, ध्यान रखना। क्या मैं इसे यहाँ से पकड़ूं? ठीक है ना? ठीक है। ओके, अब अपनी आंखें बंद करो, जो भी विश है तुम्हारी उसे अच्छे से फील करो, ठीक है? ओके, रेडी? हाँ। ओके, 1, 2, 3 फेंको। मछली हो, आओ और हमारा पेपर ले लो और हमारी विश पूरी करो, है ना? हाँ बिल्कुल। हम इस रॉड को वापस कब पुल करेंगे? तुम्हारी अंदर की आवाज सुनो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसे कब खींचना है। ठीक है, अभी मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। अभी ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो सब खा लिया जान, उन्होंने सब ले लिया, अब हमारे सपने पूरे होंगे जान। अच्छा मुझे कुछ पूछना है, सच बताओगी? तुम्हारे पेरेंट्स की भी सुलह हो जाए, इसके अलावा क्या मांगा? नहीं वो मैं नहीं बता सकती। ओह, सीक्रेट रख रही हो? हाँ। और आपके विशेष? तुम्हें पता है जब तुम्हारी विशेष पूरी हो जाएगी मेरी भी अपने आप पूरी हो जाएगी। ऑलराइट, फिर मुझे ये बताइए कि हमारी विशेष कब पूरी होगी? क्यों, तुमने डेट नहीं लिखी थी उसमें? क्या, कौन सी डेट? हाँ, तुम्हें उसमें डेट लिखनी चाहिए थी ना, या ऐसे समझो कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फिश को एक पेटिशन भेज रहे हैं, तो इसे भी बाकी लीगल पेटिशन जैसा ही होना चाहिए, तुम्हारा नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, जगह, सब कुछ। और आपके मॉम के नाम के पहले दो लेटर? ब्रावो, ये ऐसा होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। समुन्दर की लहरों की तरह। अच्छा चलो जंप करो। ठीक है, मैं ये करती हूँ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था, चलो वापस चलते हैं। चलो मैं जंप करती हूँ। सच में मैंने विश में यही मांगी थी कि मैं तुम्हें कार से घर ड्रॉप करूंगा, चलो आज। पर मुझे घर जाना चाहिए। क्या मजाक कर रही हो सनम, मैं तुम्हें यहाँ कितने इमोशनल पर्पस से लाया था और तुम हो कि मजाक बना रही हो, कम से कम मुझे तुम्हें घर तो ड्रॉप करने दो, चलो ना। मेरा मजाक उड़ा रहा है, अब मेरे पेरेंट्स के बीच का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। अरे सनम क्या कर रही हो, तुम पूरा टाइम हंस रही हो, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? अब बहस नहीं होगी, हम जा रहे हैं। मुझे ऊपर खींचो वरना मैं गिर जाऊंगी। I'm really sorry कि जगह साफ नहीं है, दरअसल मेरी प्रेसिडेंट यहाँ कपड़े प्रेस करती है, उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा तो हर फैमिली में होता है ना बेटा, यही सच है ना? नहीं नहीं, हर फैमिली के लिए नहीं होता, शायद इस मोहल्ले में होता होगा। आपके मोहल्ले में ऐसा नहीं होता मैडम। नहीं मोहल्ला नहीं, हम उसे रेजिडेंस कहते हैं। अगर किसी फैमिली में झगड़े होते हैं तो कोई एक पार्टी 5-स्टार होटल चली जाती है। आपको पक्का यकीन तो है ना, हम सब कुछ ठीक से चेक नहीं कर रहा है। कोई प्रॉब्लम तो है पर क्या है समझ नहीं आ रहा है। मुझे ही वापस देखना होगा, हमें वाटर टैंक चेक करना चाहिए, रुकिए। कहाँ गया ये लड़का? ऐसा कहाँ है मुजफ्फर, वो दुकान से गायब हो गया। अब स्टार्टर को दबाओ, अब काम करेगा मुझे तो लगता है।
अब बराबर हो जाएगा। आजकल रिपेयरिंग का काम शुरू किया है। हमने बहुत बड़ी मछली पकड़ लिया है। सुन शांत रहो। है किसकी ये कार? एक औरत आई है। आपकी उम्र की है पर बहुत लाजवाब है। सौ करोड़पति होगी वो। बहुत पैसे होंगे उसके पास। अमीर औरत? अच्छा। हाँ हाँ, वो कह रही थी कि वो हमारा पूरा मोहल्ला खरीद देंगी। उन्हें एक घर नहीं चाहिए, उन्हें एक साथ कई घर चाहिए। फिर वो उन्हें रिनोवेट करेंगी। उनके पास बहुत पैसा है सच में। फिर यहाँ बुलडोजर डांस करेंगे। आयुष, मैं अभी फील कर सकता हूँ हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। वैसे ये जगह काफी अच्छी है। ऐसे लगता है जैसे मार्सली का एक छोटा सा टाउन है। इमिटेशन ऑफ कोर्स। लगता है कि इन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। नहीं सुनिए, हमारा मोहल्ला किसी की कॉपी नहीं है। और यहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ किराने की दुकान है, मीट की दुकान है। हम सब बहुत प्यार से रहते हैं। हमारा मोहल्ला सबसे महान है और ये महान मोहल्ले की प्रेसिडेंट। हाँ, बहुत अच्छा है। सॉरी, पर तुम यहाँ प्रेसिडेंट बनकर क्या रिप्रेजेंट करती हो? हाँ, मैं यहाँ रहने वालों की प्रेसिडेंट हूँ और मैं देखती हूँ कि यहाँ सब ठीक चले, वो हेल्दी रहे। क्या पता तुम इसे कैसे खूबसूरत बनाओगी। क्या कहा आपने? ऐसा लगता है कि सालों से किसी ने इस जगह की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैडम, जगह ना इंसानों से अच्छी बनती है। क्या फायदा बड़े घरों का जब उसमें रहने वाले लोग ही अच्छे ना हो। कहाँ है वो औरत? हाँ मत पूछो, तुम्हारा पागल बेटा उन्हें किराने की दुकान पर ले गया है, मेवकी बे के पास। मेवकी बे की यहाँ है? हाँ। अरे प्री, मैं क्या करूँ? जाओ तुम जाकर शॉप की देखभाल करो, बाकी सब मैं संभालती हूँ। हाँ, खुद का बेटा ना सही, पर कम से कम मेरा दिमाग तो बन ही सकता है। स्टार्टर प्रेस करो, स्टार्टर। लैला किसका नाम है? नहीं नहीं, मेरा नाम मेवकी बे है, ये मेरी बेटी का नाम है। तो तुम्हारी एक बेटी? मेरी दो बेटियाँ हैं। ऊपर वाला हमेशा इनकी रक्षा करे। इनकी दो दो बेटियां हैं और दूसरी का नाम सनेम है। सनेम? बिल्कुल सही सुना आपने, सनेम। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ पर वो मुझसे नहीं करना चाहती। पर प्यार का मतलब होता है कि कभी हार नहीं मानना, इसलिए मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं कोशिश करते रहूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही बेकार में सोचता रहता है। I understood. Complicated relationships. ऐसी जगह में कॉमन है। वैसे आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम आयसुन है। आपने यहाँ कर हमारे मोहल्ले को चार चांद लगा दिया। थैंक यू। आप इनसे मिलिए, ये है मेरी प्यारी मॉम। बेटा, तुम इन्हें हमारे मोहल्ले के सबसे नीच जगह पर क्यों ले आई? यहाँ हर जगह बस कुत्ते बिल्लियाँ हैं, हर जगह गंदगी है। यहाँ नहीं लाना चाहिए। आयसुन, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। निकलो यहाँ से, चलो। अगर तुम कहो तो भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैंने सुना कि मैडम को यहाँ एक जगह खरीदनी है। मुझे ऐसे बिजनेस की काफी जानकारी है। हाँ, वैसे मैंने थोड़ी बहुत जगह देख ली है। जगह अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैडम, आप जाकर कहीं और जगह देखिए। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए जगह नहीं है, आप कहीं और देखिए। ऐसा नहीं है, कुछ भी मत कहो, यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए काफी जगह है। हाँ, मैंने काफी जगह देखी है इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, यहाँ रेजिडेंस के लिए कोई जगह नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है। आप बिजनेस नहीं कर पाएंगी यहाँ। मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है जान, मैं यहीं उतरती हूँ। आपको पता है ना मेरा पड़ोस। तुम कह रही हो हम हैप्पीनेस के बॉर्डर पर आए हैं? हाँ। सनम, प्लीज फिक्र मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर नहीं करते तो तुम्हारी इतनी अच्छे से परवरिश नहीं होती। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी ऐसी फैमिली में परवरिश हुई। तुमने अपने मॉम डैड के साथ पूरा बचपन बिताया और वो ऐसे पेरेंट्स हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। वो फिशेस मुझे आज भी मॉम डैड ओ करते हैं। वो फिशेस अब हमारी विशेस पड़ रही हैं। हाँ, उन्होंने सारा काम काज छोड़ दिया और बस हमारी विशेस पर लगे हैं। I'm so bored. मेरी कार अब तक ठीक हो गई। हाँ, मुझे भी लगता है। हाँ, आपको चलना चाहिए। चलो चलो जाओ। अच्छा सर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। See you. हेलो मैडम, मैंने आपकी कार चेक कर ली है, आपको ठीक लग रही है, आप फिक्र मत कीजिए। अब चलिए इससे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। चलिए आ जाइए। प्लीज, तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं, इन्हें दूर रखो मुझसे। आइए प्लीज, चलिए कॉफी पीते हैं, उससे आप रिलैक्स हो जाएंगी। चलिए मेरे साथ। बताइए, आपको कॉफी में चीनी कम पसंद है या फिर ज्यादा? अच्छा अच्छा। गो अवे। अरे बाप रे, कैसी जगह है ये, कितनी गंदी है। ए,
आप ये क्या कर रही है? पैचेस, पैचेस, क्या कर रही हो तुम? आपने बिल्ली के खाने को लात क्यों मारी? मत बोलो सनेक। अपने काम से काम रखो। सच में मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आप उम्र में बड़ी हैं इसलिए आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ। अभी के अभी वो पॉट भर के रखिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ, कहाँ जा रही है आप? क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगी? मैडम मैं माफी मांगता हूँ, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। रुकिए, सनम ऐसा क्या कर रही है? उनसे तमीज से बात करो, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आई है, हमारे एरिया इससे बदल जाएगा। पहले उन्हें उनके कैरेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ आने के लिए आपको एक अच्छा इंसान होने की जरूरत है। जाइए और जाकर वो पॉट भरिए अभी के अभी। टेक दिस। ये क्या है? बंद मत करो, विंडो खोलो अभी के अभी। विंडो खोलो, विंडो खोलो, खोलो विंडो। आप सब कुछ पैसे से तोड़ती है ना, पर ये पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, समझी? मुस्तफा चलो 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 चलो। सुना मैडम, देखो कोई उसे। मैनरलेस। वाह क्या बात है सनम, क्या बात है, तुम्हारे लिए तो तालियां बजनी चाहिए। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरे हाथ से लॉटरी चली गई सनम। क्या कहा? वो पैसे वाली है तो वो सब कुछ करेंगे और तुम उसकी बात मानोगे? हाँ पैचेस, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पैचेस पैचेस कर रही है, देखो तुम्हारे हाथों को क्या पैचेस, हुआ पैचेस। आओ इधर आकर बैठो। ऐसे सब तुमसे कितनी बार कहा है मिस्टर एमरे के मत बुलाओ मुझे, लेकिन तुम सुनती नहीं हो मेरी बात। आदत है मिस्टर एमरे, इतने सालों से आपको मिस्टर एमरे ही तो बुला रही हूँ मैं। अब तुम्हें नई चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। उन्हें एक जरूरी फाइल नहीं मिल रही थी इसलिए मैं हेल्प करने आ गई। मैं उन्हें ऐसा नहीं छोड़ सकती ना, इसीलिए मैं ऑफिस आ गई थी, तुम समझ सकते हो। लैला क्या मैं ये बजट स्केच देख सकता हूँ प्लीज? उस्मान मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, 10 मिनट में। हाँ मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। जैसा कह रही है तुम एक यंग मैन हो, तुम्हारा खून क्यों खोल रहा है? क्योंकि तुम ऐसे ठंड में बैठे हो, कोई तो वजह होगी। मुझे थोड़ी ठंडी हवा चाहिए थी बस। नहीं मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे अंदर कुछ तो जल रहा है, क्योंकि तुम अंदर नहीं बैठ पा रहे हो। वो सब छोड़ो, तुमने क्या किया? प्रपोज किया? किया भी या नहीं? नहीं, नहीं किया मैंने प्रपोज। क्यों? क्योंकि सनम के पेरेंट्स एक दूसरे के साथ बैड टर्म्स पर हैं, हमारी वजह से। उसके डैड ने तो फॉरगिव कर लिया, पर बात कुछ इस तरह बिगड़ गई है कि मिसेस मेवकिबे और मिस्टर नेहात एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। और सनम पहले ही बहुत परेशान है, इसलिए मैंने पोस्टपोन कर दिया। और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ ना, मुझे सही टाइम के लिए वेट करना होगा। नहीं नहीं सही है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है कि बेस्ट टाइम कब रहेगा। हाँ सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, मैं कुछ गर्म पीने जा रहा हूँ, बहुत ठंड लग रही है मुझे। मैंने कॉफी बनाया, पियोगे? हाँ। कहाँ है वो बिल्ली यार? मुझे लगता है सभी बिल्लियाँ भाग गई उस औरत की वजह से। आई होप उसने पैचेस के साथ कुछ नहीं किया होगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो कुछ करे? नहीं उसने उसके साथ कुछ नहीं किया होगा। तुम खुद से बातें क्यों कर रही हो? मैं अभी उस औरत से बहुत नाराज हूँ मॉम, उसकी वजह से मोहल्ले की सारी बिल्लियाँ भाग गई। बहुत ही बुरी थी वो। बात तो काफी अजीब है, उसकी ड्रेस पर थोड़ा सा सोडा क्या गिर गया, उसने तो हंगामा मचा दिया, उसे देखना चाहिए था। वो यहाँ पर जगह ढूंढ रही है। अगर वो यहाँ आएगी ना तो उससे रोज झगड़ा करूंगी मैं। लगता नहीं यहाँ आने की दोबारा हिम्मत भी करेगी, छोड़ो उसे। मॉम ये डैड के लिए है क्या? आपने उनके लिए बुनी? नहीं नहीं मेरे लिए है। आपके लिए? थोड़ी बड़ी नहीं हो जाएगी? मुझे बड़ा चाहिए था, मुझे ऐसा ही पसंद है, टाइट नहीं चाहिए, इसलिए बना रही हूँ। तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? बताओ मुझे क्यों पूछ रही हो? मैं आ गई। कैसी हो मॉम? मैं अच्छी हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बहुत खुश है। देखो इस घर में खाना पक रहा है, मेरी बेटियाँ मेरे साथ हैं, और मुझे क्या चाहिए? ऊपर वाला उन्हें भी खुश रखे जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, समझ रही हो?
मैं बहुत थक गई हूँ और मैं जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि काम तो खत्म नहीं होते और मुझे कल बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम है मुझे। तुम अपने काम करो। मॉम, अब ये बहुत हुआ, कल आप डैड से बात करो और इस प्रॉब्लम को खत्म कर दो प्लीज। मॉम रुकिए, हमें तुम्हारे साथ आऊंगी ताकि ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं तुम रहे। तुम दोनों बीच में नहीं आओगी वरना तुम्हें सजा मिलेगी इसकी, समझी तुम? ठीक है मॉम, ठीक है, चलती हूँ मैं। लैला, एक्चुअली हम इस सब्जेक्ट में माहिर नहीं है, है ना? हाँ हाँ डियर सनी। अब हम क्या करेंगे बताओ मुझे? अब ये और नहीं चल सकता और बातों से कुछ नहीं होगा, अब हमें कोई तरीका ढूंढना होगा। हाँ पर क्या? कोई एक अच्छा प्लान बनाना होगा। हाँ हाँ, बात करना तो यूजलेस है, कुछ सोचते हैं फिर। हाँ पर कल मेरा प्रेजेंटेशन है और मैंने आज बहुत काम कर लिया है, क्या लगता है तुम्हें? ठीक है, मैं सोचती हूँ, कल का दिन तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत एनर्जेटिक दिखना होगा। मैं शुरुआत में कहने वाली हूँ हर औरत, ताकि हर औरत में औरत, मैं इसे हटा दूँ क्या? क्या हम टेक ऑफ के लिए रेडी है? जान, मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत स्ट्रेस हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। आप किसी और को बोल दीजिए ना, जैसे कि मिस डेरेन, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगी और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जान, मैं नहीं चाहती कि आप इसे खो दे मेरी वजह से, और इसके अलावा मैं आखिर हूँ ही कौन? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कौन हो। तुम एक एंजल हो, तुम जिस चीज को छूती हो वो एक तारा बन जाती है, तुम मेरी एंजल हो। सच में? हाँ। नहीं जेन्युइनली, तुम मेरे लिए एक एंजल से कम नहीं हो। क्या सच में? तुम मेरी लाइफ की गुड लक हो। हाँ। नहीं होगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। हाँ क्या? मैं जानती हूँ। हाँ। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं होगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो तुम ही थी जिसने ये कैंपेन और एड वगैरह सब क्रिएट किया, और वो भी बहुत अच्छे से, ऑनेस्टली। हाँ हाँ हाँ। तो फिर जाओ और जीत कर आओ, मैं और कुछ नहीं कह सकता। ओ, देखो तो हमें, हम पूरी तरह से प्यार में पागल हो गए हैं। चलिए अब मुझे रेडी होना है, मुझे यहाँ रख देना है। और हाँ, कहाँ है वो जीजी? कॉमन एरिया में मिस डेरेन, वो देखिए वहाँ। उन्हें वहाँ क्यों ले गए, अंदर ले जाते, तुम भी ना? पता, मिस डेरेन वो यहाँ आए और वहाँ बैठ गए। वेलकम, आई एम डेरेन केस्किन, आई एम द क्रिएटिव डायरेक्टर, नाइस टू मीट यू। ये मिस आयजा हैं, ये मिस्टर एडनी की जगह टर्की की रिप्रेजेंटेटिव बन के आई हैं, ठीक है ना? सच में नाइस टू मीट यू। आइए मेरे साथ मीटिंग रूम में चलिए, प्लीज आइए। हाँ, प्लीज दिस वे आइए। प्लीज, ये रहा हमारा मीटिंग रूम। वेलकम, हेलो। तो मैं आप सबको मिस आयजा से मिलवाना चाहता हूँ, शी विल वर्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर टर्की। वेलकम मिस आयजा, मैं चांदेव। सनम, आयजा, वेलकम। मीटिंग शुरू हो गई क्या? एम आई लेट? आइलिन, तुम ये मीटिंग नहीं ज्वाइन कर सकती। पर क्यों नहीं एमरे? मैं यहाँ बिजनेस पार्टनर हूँ, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। आइलिन, तुम वहाँ गई तो भाई प्रेजेंटेशन नहीं देंगे और तुम्हें बाहर भेज देंगे। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी बेइज्जती हो? देखो, फिलहाल हमें संभाल लेते हो, गिव अस सम टाइम, ऑलराइट? बाद में हम तुम्हारा मैटर सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, बट बी क्विक, ठीक है, जल्दी करना। तो अब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, मिस सनम प्लीज। हाँ। थैंक्स। मैं शुरू करती हूँ।
और फिर वो अपनी मैरिटल नोटबुक अपनी लिपस्टिक से साइन करती है और फिर हमारा स्लोगन आता है मेकअप समथिंग गुड परफेक्ट मुझे पसंद आया वंडरफुल सुपर आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा कांग्रेचुलेशन थैंक यू वेरी मच ये जॉब आपकी हुई मिस्टर जॉन थैंक यू वेरी मच इसमें तुम्हारा भी आ गया ना कांग्रेचुलेशंस थैंक यू मैं बहुत एक्साइटेड थी मेरे तो पसीने छूट रहे हैं गुलीज तुझे कुछ फील हो रहा है क्या हुआ कि जैसे अब सब अच्छा है और जैसे कि अब हम सब खुश हैं तो ये अच्छी बात है ना जेजे सब चीजें उल्टी हो गई तो सब चीजें उल्टी हो जाएंगी तो क्या मतलब है तुम्हारा तुम इमेजिन करो प्लीज अगर मैं साइलेंट जनरल मैनेजर बन जाती है हमारी बॉस वो हमें स्लेव जैसे ट्रीट कर रही है मेरे दिमाग में ऐसे जैसे गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं क्या जेजे स्टॉप इट तुम इतनी नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हो ऐसा कुछ नहीं हो सकता मैंने तुमसे कहा ना प्लीज मैं बस ऐसा फील कर रहा हूँ मुझे फीलिंग हो रही है शेयर नहीं कर सकता शेयर नहीं कर सकता चुप करो हो गया खुद को संभालो जेजे मैं बस तुमसे शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा स्माइल करो तुम ही तो कहते हो ना पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे चलो स्माइल करो जी जी ये लो और खाओ तुम ठीक हो हाँ 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 सनम मुझे ये कहना था कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था और परफेक्ट था कंग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच मिस्टर यू डिजर्व इट लहला मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी कंग्रेचुलेशंस सनम कंग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच मिस्टर एमरे हाँ तो गाइस मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी क्योंकि आप सब लोगों की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हो पाया है पर आपको नहीं लगता कि इतने बड़े सक्सेस के लिए ये सेलिब्रेशन काफी छोटा है यस yes, oh. तो क्यों ना हम साथ में पार्टी करें ऑल राइट मिस्टर जॉन के घर पे पार्टी करेंगे लेट द पार्टी बिगिन Big boss, take us to the party. 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 Mr. John, हमने ये पार्टी अरेंज की है क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था सो पार्टी आपके घर पर होगी प्लीज इस पर कोई ऑब्जेक्शन मत करना क्या आपने कभी देखा ऐसा एक्टिविटीज को मना करते हुए मुझे सब बहुत अच्छा लगता है मैं पार्टी में डीजे बनना चाहूंगा प्लीज ये रहा मेरा डीजे फेस आई लव यू सो मच जान अच्छा इन सब लोगों में से हाँ क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता आई लव यू टू माय स्वीट हार्ट एंजल चलते हैं ना हाय पार्टी विदाउट मिस जेदा मुमकिन नहीं है इसलिए इन्हें इनवाइट कर लिया हाँ इनके बिना तो पार्टी अधूरी थी हाय हाय टू यू टू डियर ओह हाय टू मी टू हाय कैसे ओके गाइस जेदा के लिए तालियां हो जाएं इसकी कोई जरूरत नहीं है नहीं नहीं तुम ये अप्लॉज डिजर्व करती हो क्योंकि तुमने ही हमारा मैकेनन से कांटेक्ट करवाया और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने हमारा रिलेशन वार्म रखा ये इतना आसान नहीं है सो थैंक यू वेरी मच जेदा थैंक यू सो मच मिस जेदा आपकी वजह से आज ये प्रोजेक्ट हमें मिला जेदा बुलाओ मुझे मिस डेरेन जेदा तो ठीक है लेट्स टोस्ट फॉर फ्रेंडशिप चीयर्स पर हमारे कैंपेन को नेग्लेक्ट मत करना कंपास स्पोर्ट याद रखना तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो हाँ अच्छी बात है अच्छी बात है मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है हाँ एक्चुअली हम एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं थे हाँ ये सुनने में थोड़ा पल में लगेगा पर हम ऐसे अलग है और फिर भी हम एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है क्यों है ना जान हाँ, सच में और हमें अलग करना इतनी आसान बात नहीं है समझी लेट्स ड्रिंक फॉर दैट देन मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाती हूँ
वो तुम्हारी मदद करेगा शायद। दरवाजे पर कोई है? कोई आया है, मैं देखती हूँ। यहाँ आंटी, आप यहाँ यहाँ वापस क्यों आई है? क्या कहा आंटी? मैं तुम्हारी आंटी कैसे हो सकती हूँ? ओह, वो इसीलिए क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। एनीवे, तुम यहाँ काम करती होगी, मैं तुमसे डील नहीं कर सकती। इसे पकड़ो और अच्छे से हैंग कर दो। एक सेकंड, मुझे माफ कीजिए पर मैं आपको ऐसे अंदर आने नहीं दे सकती। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं कौन? आप मुझे इस घर के ओनर समझ लीजिए। एक मिनट रुकिए, बहुत हो गया। अपना कोट और बैग संभालिए। और आपको यहाँ आखिर बुलाया किसने है? हाँ? सनम, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? जान मॉम, मॉम सच में?